गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन का अपना नया लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने जनरली बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे किसका, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। क्या होता है आपको मालूम है एंगल बिटवीन द टू लाइन्स? आ जाइए एक बार फॉर्मूला रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रिकैप में देखना है, चलिए शुरू करते हैं रिकैप। तो अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो हम लोग ने देखा था कि अगर टू लाइन है, दो लाइन अगर दी हुई, दैट इज मतलब दो पॉइंट दी है, सॉरी x1 y1 और x2 y2, इन दोनों लाइन का जो स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप होता है बहुत सिंपल है, इट इज y2 - y1 / x2 - x1। यस और नो, फर्स्ट बात ये हुई थी। दूसरा हम लोग ने बताया था कि अगर कोई दो लाइन है ठीक है, अगर उसके बीच का एंगल थीटा है तो देन टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू m1 - mod of m1 - m2 / 1 + m1 × m2। आई थिंक मैंने वहां पे लिखा था कि m2 - m1 तो फर्क नहीं पड़ता भाई, मैंने आपको पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता। आप m1 - m2 लिखो, m2 - 1 में लिखो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको इस बात से फर्क है ही नहीं भाई, मॉड लगा है यार, मॉड लगने तो कैसे फर्क पड़ेगा यार, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से एक्यूट एंड ऑप्टूस दोनों निकलता है, एक्यूट के लिए सेम यही एंगल होगा, लेकिन अगर ऑप्टूस की बात करते, किसकी ऑप्टूस मतलब होता है 90 से बड़ा भाई, ऑप्टूस की बात करें तो π - 10θ, ये 10θ निकला है उसको माइनस कर दो, मतलब ये जो आपका थीटा निकला है π - θ कर दो, दैट इज π - 10 इनवर्स ऑफ जो आपने एंगल निकाला है, दैट इज m1 - m2 / 1 + m1 × m2। ठीक है, ये आप माइनस कर दो। ओके ठीक है सर, ओके ठीक है, सही बात है, अच्छी बात है। फिर अगर आपको याद हो तो मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर दो लाइन, इफ टू लाइन्स आर इक्वल, मतलब टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन आपकी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, दो लाइन पैरेलल तो उनका दोनों का स्लोप इक्वल होगा, या सॉरी नो, अगर दो लाइन है दैट इज एक m1 है और एक m2 है, ये m1 है और ये m2 है, तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, यस और नो, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, यस और नो, है ना, ये ले लो मेरा हाथ दोनों पैरेलल हो गए, है ना, यस और नो। अगर मेरा हाथ कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे और ऐसे हो जाए, 90 डिग्री हो गया ना, अभी नहीं बना, हाँ नहीं, ये दोनों उठ गया ऐसे, ये देखो 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, 90 डिग्री में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, यस और नो, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, यस और नो, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये, इन दोनों का अगर दोनों 90 डिग्री हो जाए तो उनका जो प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, -1, यस और नो। इतनी बातें हम लोगों ने की थी, एक बहुत जनरल बात की थी और मैंने बोला था कि मैं आगे भी बताऊंगा, थोड़ा फास्ट है, क्यों, ये रिविजन है। अगर ax + by + c कोई लाइन दे रखी है, ठीक है, कोई लाइन दे रखी है, ये जनरल लाइन है आपकी स्ट्रेट लाइन की, तो इससे जो स्लोप निकलता है वो -a/b होता है, -a/b, इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, यस और नो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस टाइम्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, यस और नो। ठीक है, ओके सर, ठीक है, तो आगे चलें, आगे मूव करें, मूव करते, ओके आ जाओ, देखो तो फटाफट इरेज करते, एक छोटा सा एग्जांपल डील करते तो सारी बातें फिर से याद आ जाएंगे, स्लोप भी यूज हो जाएगा। एक और फॉर्मूला, दैट इज m = 10θ होता है, स्लोप को कभी कभी ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, है ना, स्लोप का एक और नाम है, दैट इज स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम जनरली नहीं बोला जाता, दोस्त लोग तो अच्छे से नाम से बुलाते भी नहीं है, घर वाले लोग अलग ही बुलाते हैं, बाबू सोना, है ना, घर वाले बुलाते हैं, और गर्लफ्रेंड बाबू सोना जादू टोना करके बुलाते हैं, है ना, अब अपने आज तक नाम ज़्यादा कोई लेता नहीं है, नाम से नाम के लिए हो गया है, तो जैसे स्लोप हो गया, उसका एक बाहर का नाम स्लोप है और घर का नाम ग्रेडियंट है, यस और नो। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन की बात करते हैं, एक ट्रायंगल दिया है आपको, एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये पॉइंट आपका 1, 2 है, ये -1, -3 है, ये आपका 4, -1 है, ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, दैट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यस और नो। लेकिन ऑर्थो सेंटर का कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने कब बोला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर क्या लगाओगे सर, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, स्लोप पढ़ा है ना, तो स्लोप का यूज करेंगे, सर स्लोप कैसे यूज होगा, यूज होगा बालक, स्लोप यूज होगा, मुझे सिर्फ एक लाइन बता दो कि अगर कि आपका अर्थ सेंटर किससे बनता है भाई, द फॉर्मेशन, ये बार बार मेरे कैमरे का, चलिए आई थिंक अब सही काम करेगा, यस और नो, बिल्कुल अब सही काम करना चाहिए उसको, ठीक है, डोंट वरी, मैं ये पार्ट मिटा दूंगा वीडियो से, ठीक है ना, फोकस नहीं कर रहे, थोड़ा सा मिटा देंगे इसको, एडिट कर देंगे। चलिए, तो आपको बताना है कि ये बताओ कि भाई सरकम आपका ऑर्थो सेंटर बनता किससे है,
अर्थ ऑप्शन किससे बनता है? एल्टीट्यूड से, ना कि एटीट्यूड से, किससे बनता है? एल्टीट्यूड से, यस और नो? तो अर्थ सेंटर इज फॉर्म बाय एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड क्या होता है सर? एल्टीट्यूड क्या होता है? अरे किसी भी वर्टेक्स से किसी भी साइड में, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर डाल देना, यस और नो? किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर डाल देना, उसे क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं, यस और नो? एल्टीट्यूड बोलते हैं, ओके। मैं अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए, ओ को, अर्थ सेंटर को, ओ को एच कॉमा के बोल देता हूँ, ठीक है? और ए आपको दे रखा है, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। तो मैं आपको ए बोला क्या दिया है, दैट इज ए कॉमा टू, यस और नो? स्लोप ऑफ ओ एच क्या हो जाएगा बोलो? ओ ए, सॉरी, स्लोप ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा सर? ये तो बड़ा इजी है, दैट इज के माइनस टू अपॉन एच माइनस वन। मैं बोला वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, चलो स्लोप ऑफ ओ एच आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। अब बताओ स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा? ए लाइन बी सी यार, स्लोप ऑफ लाइन बी सी क्या होगा सर? ये हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री अपॉन माइनस वन प्लस थ्री अपॉन फोर प्लस वन, आपकी ना? बिल्कुल सही है सर, ये हो जाएगा आपका दो बटे पाँच। स्लोप ऑफ बी सी कितना आ गया आपका? टू बाई फाइव, यस और नो? बिल्कुल सर, बात तो सही है। तो लेकिन स्लोप ऑफ बी सी निकाल के फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ ना। अब बताओ आप लाइन ओ एच, लाइन ओ एच, या फिर इसको नाम चाहे तो डी नाम दे दो अभी के लिए, ओ एच, ओ मतलब ओ ए या फिर ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू माइनस वन, यस और नो? तो दोनों का स्लोप रख दो भाई, क्यों माइनस वन क्यों? अरे भाई दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना बाबा, यस और नो? ठीक है चलिए, तो रखते जाओ भाई। चलो स्लोप ऑफ ए ओ कितना है भाई? ये तो है आपका के माइनस वन अपॉन एच माइनस वन, ये क्या आ गया आपका स्लोप ऑफ ओ ए। और स्लोप ऑफ बी सी कितना है सर? ये है आपका टू बाय फाइव इज इक्वल्स टू माइनस वन। इसको इस साइड लेके जाओ, टू बाई फाइव को इस साइड लेके जाओ, तो क्या होता है बोलो? ये आ जाएगा आपका के माइनस वन, देखो जरा, के माइनस वन अपॉन एच माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका उधर जाके क्या बनेगा, ये माइनस पाँच बटे दो, यस और नो? माइनस फाइव बाय टू, ठीक है? चिंदी यार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी चिंदी। क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑप्शन क्या बचा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टू के माइनस टू, टू के माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस फाइव एच प्लस फाइव, तो टू के प्लस फाइव एच प्लस फाइव एच इज इक्वल्स टू सेवन, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। चलिए फर्स्ट इक्वेशन की बात बहुत बढ़िया है सर, अच्छी बात है, आ जाइए। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, मतलब सेकेंड कंडीशन की सर। लेकिन वो कंडीशन कैसे आएगी? आएगी ना सर, आएगी आएगी ना, जैसे उसमें डायलॉग है ना, करेगी ना, क्यों नहीं करेगी? बताओ जरा कौन से फिल्म का डायलॉग, करेगी ना काम, क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी तो करवाएंगे, है ना? आपने कभी इस फिल्म का नाम सुना भी होगा, बहुत पुरानी फिल्म है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था आई थिंक उस समय की फिल्म है, आ जाइए। तो अब मैं बोलता हूँ कि अब मैं बी से एक अल्टीट्यूड बनाता हूँ, बट अब ऐसे कि ओ से पास होगा, या सुनो, तभी तो ऑर्थो सेंटर बनेगा, अब ओ से पास होगा, ओके। मैं बोलता हूँ कि स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ ओ बी, ठीक है? बिल्कुल सर। चलिए ए जो कस्ट टू माइनस वन, अब बताओ जरा स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा सर? ए सी का स्लोप हो जाएगा टू माइनस वन, टू ऑफ माइनस वन, या सुनो, टू माइनस ऑफ माइनस वन, क्योंकि एम टू माइनस एम वन होता है, मतलब एक्स टू वाई टू माइनस वाई वन होता है, तो वाई टू माइनस ऑफ माइनस वन, ओके। देन वन माइनस फोर, ये हो गया स्लोप ऑफ ए सी। अब स्लोप ऑफ ओ बी की बात करो जरा, ओ बी, ओके ओ बी, ओके आया आपका एच कॉमा के। मैं बोल सकता हूँ सर, ये हो जाएगा आपका के प्लस थ्री डिवाइड बाय एच प्लस वन, हाँ कि ना? बिल्कुल सर, ए जो कॉस्ट टू माइनस वन। अब सिंप्लीफाई कर लेते, आ जाइए जरा, बोलो टू तीन बटे माइनस तीन, यस और नो? सर ये कैसे आ गया? अरे टू प्लस, और ये देखो माइनस तो कट नहीं रहा अभी, इसको रहने दो, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन के प्लस थ्री अपॉन प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये माइनस वन लिखा है, ठीक है ना, माइनस वन, तो ये आपका वन, तो यहाँ से ये पूरी तरह से गायब हो गया, और ये माइनस गायब हो गया यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे माइनस वन था ना, ओके, तो यहाँ से आपका अगर के प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एच प्लस वन, यस और नो? यहाँ से एक बहुत छोटी सी इक्वेशन आ गई, क्या k माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस टू, या फिर h माइनस k इज इक्वल्स टू प्लस टू, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, यस और नो? सॉल्व करते हैं,
मैं काम करता हूँ क्या कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों देखो ना यहाँ पे 2k ये है और यहाँ पे माइनस 2k, दोनों को ऐड कर दूँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2h माइनस 2k इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल देते हैं। आ जाइए सॉल्व करेंगे पार्ट 3 में। सर बहुत बड़ा, अरे बड़ा नहीं है, लेंदी है यार, ऐसे क्वेश्चन को बड़े नहीं बोलते, ऐसे क्वेश्चन को लेंदी बोलते हैं। लेंदी और बड़े में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उस डिफरेंस को समझना। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ से आपका देखो ना, अगर आप सॉल्व करोगे तो 2h माइनस 2k इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, ये है आपकी 5h प्लस 2k इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आपका 2k 2k कैंसिल, यस और नो, आ गया आपका 7h इज इक्वल टू 11, तो h इज इक्वल टू आ गया 11/7, ठीक है, हाँ कि ना, बिल्कुल। h के बाद अभी चाहिए तो क्या निकाल, निकाल दो यहाँ पे, दैट इज 11/7 माइनस के इज इक्वल टू 2, यहाँ से आपका k आ गया 11/7 माइनस 2 इज इक्वल टू k आ गया आपका माइनस 14, 11 माइनस 14 अपॉन 7, दैट इज k इज इक्वल टू माइनस 3/7। मुझसे क्या पूछा था, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो क्या आ गया आपका, दैट इज ORTH, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज क्या है भाई, ये है आपका एच कॉमा के, तो एच कितना निकला, वो रहा 11/7 और ये रहा आपका माइनस 3/7, ये आपका आ गया ऑर्थो सेंटर ऑफ, ठीक है। तो एक और मेथड आप सीख गए ऑर्थो सेंटर निकालने का, क्या कि अगर आपको लाइन का स्लोप दिया है तो आप इस मेथड से ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो, ओके। तो इसको क्या करोगे, कॉपी और पेस्ट, इसको आप कॉपी और पेस्ट करो, आप उन लोग नए एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं, ओके। आ जाइए भाई इसको इरेज करते हैं, अब मूव करते हैं लोकस में, किसमें, लोकस, लोकस इतना इंपॉर्टेंट है सर, अब जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक चलेगी लोकस हर जगह पूछा जाएगा, ठीक है। लोकस का मतलब यहाँ पे सिर्फ बताएंगे, हर जगह लोकस में टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप पहले स्ट्रेट लाइन से लोकस सीख के आओगे, लोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टफ है, कि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लोकस का भी अब पढ़ाऊंगा आप देखोगे, कोई भी फॉर्मूला, मिटाते मिटाते बात कर दे यार, ज़्यादा सही है, लोकस का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बात तो सही है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी नहीं कि टफ है, मतलब लोगों को इतना जल्दी समझ में आता है, लोकस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर में आता है, मतलब अभी से लेके पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर ही है, यस और नो, तो अभी से लेके पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको लोकस दिखेगा, सर्कल में लोकस आएगा, इलिप्स में आएगा, पैराबोला में आएगा, हाइपरबोला में आएगा, हर जगह आपको लोकस मिलेगा, हर जगह, पूरे हर जगह पर, छः छः चैप्टर हो गए देख लो, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 से 5 क्वेश्चन कंटेन करते हैं, मैंने पहले चैप्टर में बता दिया था, मतलब लेक्चर लेते समय ही, 4 से 5 क्वेश्चन में जहां आपका लोकस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो बट ऑबियस है कि मुझे इसको आपको पे करना पड़ेगा, इसके लिए इस लोकस के लिए आपको पे करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो मैं यहाँ पे कराऊंगा, सो डोंट वरी। हेडिंग डाल लो लोकस, पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ फिर समझाते, ठीक है ना। द कर्व इज डिस्क्राइब बाय, द कर्व इज डिस्क्राइब बाय पॉइंट, है ना, पॉइंट इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन विच मूव अंडर गिवन कंडीशन, UNDER under given condition। सर ये क्या है, ये कौन सी महामारी है, क्या लिख दिया आपने, समझा रहे यार हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, एक कोई फिल्म करा दो आप, सोच याद होगा तो समझाओ से, समझते हैं देखो, एक पॉइंट है ना, देखो लोकस मतलब ऐसा होता है किसी भी चीज का वेल डिफाइंड ग्राफ देना, किसी भी पॉइंट कैसे मूव करेगा, आपने कोई कंडीशन दे दी, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने अपने भाई को क्या बोल दिया, आपका छोटा भाई है, आपने उसको क्या बोल दिया कि देख तू कल से ना ये रास्ते ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, आपका भाई क्या हो गया, पॉइंट हो गया, आपका छोटा भाई क्या हो गया, पॉइंट हो गया, आपने अपने भाई को क्या बोल दिया कि देख भाई तू ऐसे जाएगा, देन ऐसे, पहले तू स्ट्रेट जाएगा देन तू लेफ्ट जाएगा, तू पहले ईस्ट जाएगा 30 डिग्री ईस्ट जाएगा देन 40 डिग्री वेस्ट जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गए आपके भाई, आपका भाई यहाँ पे पॉइंट हो गया और आपके भाई का आपने कर्व डिफाइन कर दिया,
मतलब अपने छोटे भाई को आपने एक कंडीशन दे दी कि तू ईस्ट जाएगा देन वेस्ट जाएगा, तू ईस्ट जाएगा देन नॉर्थ जाएगा, आपने कंडीशन बता दी, तो एक कर्व हो गया या सोन, तो वही होता है लोकस। आपको कुछ कंडीशन देगा, उस कंडीशन के रिस्पेक्ट में आपको इस पॉइंट का कर्व निकालना है, मतलब ये पॉइंट कैसे मूव करेगा। दूसरे एग्जांपल में समझो, तो मान लो आपकी कोई फ्रेंड है या फिर दोस्त है या फिर गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो वो क्या, कोई भी लड़की क्या चाहती है कि आप उसके साथ ही लॉयल रहो ना, उसके साथ ही रहो, तो उसने आपको डिफाइन कर दिया कि आज से तू कोई दूसरी लड़की के ऊपर ध्यान नहीं देगा, मैं सुन मेरे ऊपर ध्यान देगा, यस और नो, तो क्या हो गया, आप पॉइंट हो गए और उसने आपको एक कंडीशन दे दी। आप कैसे आप मूव करते हो ये उसने आपको बता दिया, तुझे ऐसा ही मूव करना है, तुझे ऐसे ही मूव करना है। जैसे हम लोग को भगवान, अब थोड़ा और ऊपर जाते हैं, भगवान के रिश्ते में बात करते हैं, तो भगवान क्या है, सबसे बड़ा है, हम लोग को यहाँ पे नीचे बना के भेजा है ना, हम लोग सब जानते हैं कि जो करता है भगवान करता है ना, तो हम लोग उसके लिए एक पॉइंट हो गए, उसने हम लोग का कर्व डिफाइन कर दिया है कि आप इसी के अंदर रहोगे, आप इससे ये चीज़ों के बाहर नहीं कर सकते। जैसे हम लोग भगवान को नहीं देख सकते, तो भगवान ने हम लोग को चीज़ दिखाई, तुम सब चीज़ देख सकते हो, वो चीज़ें देख सकते हो जो 3,800 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 7-8,000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच, इतनी के बीच लाइट देख सकते हो। तो कंडीशन दे दी ना अपने आई को, यस और नो, अपने आई को कंडीशन दे दी। तो हर कोई भी एक पॉइंट लो, जैसे मान लो मैं ये पॉइंट ले लूँ, ठीक है, मैं एक पॉइंट ले लूँ, ये कोई एक मान लो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, कोई फिक्स पॉइंट है, दैट इज फिक्स पॉइंट को एक्स अल्फा कॉमा बीटा बोल दो, ओके, अल्फा कॉमा बीटा फिक्स पॉइंट है। अब मैंने एक वेरिएबल पॉइंट लिया और वेरिएबल पॉइंट ले लिया, एक वेरिएबल पॉइंट मैंने कोई क्यू ले लिया, ठीक है, पी ले लिया, और इसका नाम मैंने एच कॉमा के रख दिया। अब मैंने इस वेरिएबल पॉइंट को बोल दिया कि देख भाई सुन, अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना, अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना, तुझे एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, क्या, कि तू इस एफ से हमेशा आर डिस्टेंस पर रहेगा, बस मैं, अगर तुझे जिंदा रहना है, तुझे हमेशा आर डिस्टेंस पर रहना पड़ेगा बस। बट ऑब्वियस है, जैसे कुछ पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल गलत बात है, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि देख अगर तुझे पढ़ना है तो तू साइंस लेके पढ़ेगा। अब तो आई थिंक ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन हम बहुत सारे मान लो अब पढ़ेगा तो तू साइंस लेके पढ़ेगा, नहीं तो मत पढ़, हो गई कंडीशन। तू करेगा तो आईआईटी करेगा, मेडिकल नहीं कर सकता, हो गई कंडीशन। कोई भी कंडीशन, जैसे आप ही, अगर मैं आपके ऊपर कंडीशन लगा दूं कि देख भाई तुझे 24 घंटे पढ़ना है, और आप मेरे लिए पॉइंट हो गए, मैं कंडीशन लगा दिया, यस और नो, तो मैं वही देखना चाहता हूं। जैसे मान लो मेढक ले लो, है ना, मेढक, जैसे मेढक को मैं इसमें फेंक दूं तालाब में, कंडीशन क्या होगा, मतलब कुएं में फेंक दूं तो कंडीशन क्या होगी, क्योंकि मेढक अब कुएं में तैरेगा, कुएं में रहेगा, यस और नो। जैसे शेर ले लो, एक जुहू में है, एक जुहू के अंदर, कोई एक शेर ले लो जुहू के अंदर है, यस और नो, तो कंडीशन क्या होगी उस शेर की, शेर पॉइंट हो गया, कंडीशन क्या होगी कि देख तू जुहू के अंदर ही घूमेगा, तो इस जंगल के अंदर ही रहेगा, यस और नो, यस और नो, तो कंडीशन ये हो गई। तो सिमिलरली ये पॉइंट है, पॉइंट को मैंने बोल के देखा, अगर तुझे जिंदा रहना है, तुझे मैं लात मार के यहाँ से भगा दूंगा, इस पॉइंट को मैंने धमकी दे दी है, तभी पॉइंट आठ डिस्टेंस पे मैंने बोल के रखे, तो कहीं भी घूम, ठीक है, तो कहीं भी घूम, लेकिन आठ डिस्टेंस पे घूमेगा। जैसे अगर गांव में जब जाओगे, आप लोग तो पता नहीं गांव जाते नहीं हो, जो गाय होती है, गाय कैसे गले में एक पट्टा बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं, और उसको एक डिस्टेंस में दे देते हैं, और ऐसे चारा फैला देते हैं, घास घास, जिसको घास बोलते हैं, बोलते हैं कि देख तुझे, तू खा, ठीक है, चलेगा, लेकिन इसके आसपास की ही खाएगा, इससे बाहर तो नहीं खाएगा, यस और नो, इससे आसपास की खाएगा। गांव में जाओ तो आप देखने पाओगे, है ना, यहाँ पे तो आप लोग नहीं पाओगे, सिटी में तो मोस्ट प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। गाय है गले बांध के बोलते हैं कि तू खा सकती है, तो गाय का लोकस हो गया ना, पॉइंट क्या होगी, फिक्स पॉइंट क्या होगा, खूंटा, खूंटा बोलते हैं जिसमें गाय को बांधते हैं, उसको खूंटा बोलते हैं, अब हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो यार, खूंटा बोलते हैं जो जिसमें गाय को बांधते हैं। और यहाँ पे जो वेरिएबल पॉइंट क्या हो गया, वो हॉर्स हो गया पॉइंट, अब ऐसे ही मूव कर सकता है सर्कल में, यस और नो, तो हॉर्स तो क्या हो गया, लोकस क्या हो गया, सर्कल, यस और नो, हॉर्स जो मतलब गाय जो है आपकी एक सर्कल में घूमेगी, मान लो ये फिक्स पॉइंट है और ये मान लो मेरी गाय है, अभी गाय बांधी है तो गाय ऐसे कैसे मूव करेगी सर्कल में, यस और नो, तो लोकस कुछ है ही नहीं, कंडीशन दे रहा है, उसको एक इक्वेशन निकाल के मुंह में मार दो, ले रख ले जा, जी ले जिंदगी अपनी जिंदगी, ठीक है। तो मैंने मान लो कि क्या है मेरा फिक्स पॉइंट है, खूंटा है मेरा, ये मेरा खूंटा है, ठीक है, ये मेरा खूंटा है, और ये मेरा क्या है, हॉर्स है, मतलब मेरी गाय है, काऊ है, मेरी काऊ माता है, ठीक है, यस और नो। तो मैंने काऊ माता क्या बोला कि देखो आपको ना, आपको ऐसे ही घूमना है, आपको सिर्फ आर डिस्टेंस पे घूमना है, आप आजू बाजू जो घास रखे सिर्फ आर डिस्टेंस पे खा सकते हो, ठीक है, तो आर डिस्टेंस ये लो, ये ऊपर यहाँ जा सकती है, ये आर डिस्टेंस यहाँ जा सकती है, ये आर डिस्टेंस यहाँ जा सकती है, ये आर डिस्टेंस यहाँ जा सकती है, यस और नो। तो बट ऑब्वियस है कि काऊ जो होगी एक सर्कल में मूव करेगी, सर्कल से कहीं बाहर नहीं जा सकती ना बेचारी, मजबूर है, यस और नो, मरता क्या ना करता, हाँ कि ना, मजबूर है बेचारी। सिमिलरली मान लो कि मैं बोलूँ कि एक पॉइंट ये है, ए फिक्स पॉइंट है और बी भी आपका फिक्स पॉइंट है, ठीक है क्वेश्चन करेंगे, बीच में क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। मैं बोल दूँ कि देख भाई, मैं काऊ को क्या बोल दूँ कि देख, मैं काऊ को क्या बोल दूँ,
मतलब काउ इन द सेंस किसी आदमी को क्या बोलो कि देख अगर तुझे जिंदा रहना है, अगर तुझे जिंदा, मान लो कोई जेल है, कोई जेल है, ऐसी जेल है ना, ऐसी कोई जेल है ना, आदमी को बोलो अगर तुझे जिंदा रहना है तू हमेशा क्या करेगा, ये एक जेलर ही है, ठीक है, ये जेलर है, जेलर, अब जेलर ऐसे लिखते ना, पता नहीं, जेलर, जेलर और जेलर, जे, हाँ सही लिखा है, जेलर। तो मैंने बोल दिया कि देख तुझे हमेशा क्या करना, इस जेलर से और इस जेलर से इक्वल डिस्टेंस बना के रखना है, ये एक कैदी है, ये एक कैदी है, ठीक है, ये एक कैदी है, ये एक कैदी है, तुझे इस जेलर से और इस जेलर से, जेलर जो पुलिस वाले हैं, इस पुलिस वाले से, इस पुलिस वाले से एक इक्वल डिस्टेंस बना के रखें। जेलर कैसे मूव करेगा, जेलर ऐसे मूव करेगा, नीचे आएगा, 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 नीचे आ सकता है, ऐसे ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, यस और नो, तभी ना इक्वल डिस्टेंस होगी, इक्वल डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मूव कर सकता है, यस और नो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ कि ना, हाँ कि ना, नहीं ये थोड़ा सा इधर भी मूव नहीं कर सकता, इधर मूव करेगा तो ये जेलर गोली मार देगा, इधर भी मूव करेगा तो ये जेलर गोली मार देगा, यस और नो, गलती से इधर से उधर मूव किया तो जेलर डायरेक्ट मार देगा गोली, तो आदमी मर जाएगा, यस और नो। तो कंडीशन हो गई, कंडीशन हो गई। और दूसरा समझो, मतलब लोकस इज अ कंडीशन, बस लोकस इज अ कंडीशन यार, लोकस इज अ कंडीशन, ठीक, कंडीशन देगा, एक्सप्रेशन बना के दे दो, ठीक है। अब आई थिंक इससे ज्यादा लोकस तो मैं कभी आज तक एक्सप्लेन नहीं किया है ना, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि लोकस मतलब एक कंडीशन देगी। अभी स्टेप लिखाते हैं, आपको कंडीशन देगी, उस कंडीशन की हेल्प से आपको एक लोकस तैयार करना है, मतलब एक इक्वेशन तैयार करनी है, लोकस नहीं, इक्वेशन तैयार करनी है। इक्वेशन तो आप तैयार कर लोगे, चलो सॉल्व करते हैं, बहुत सारे करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे, डोंट वरी। तो थोड़ा मिटा दो इसको, तो क्या आप हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो, हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, जो हिंदी मीडियम, मतलब जो जैसे बहुत सारे आते हैं कि मतलब डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम से इंग्लिश में जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से जिनको हिंदी में क्या लिखोगे, मैं समझा देता हूँ, हिंदी में ऐसा लिख लो तो समझने में होगी, है ना। एक फिक्स पॉइंट होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा पहला, दूसरा लिखना है क्या लिखोगे, और एक वेरिएबल पॉइंट होगा, वेरिएबल पॉइंट होगा। देखो शर्माओ मत यार, यस और नो, जो हिंदी में लिखने में शर्माते थे, शर्मा मत, कौन सा आपको अपनी नोट्स को ऑक्सफोर्ड में भेजना है, अपनी नोट्स को ऑक्सफोर्ड में भेजना नहीं है, या फिर अपनी नोट्स को आपको उसमें क्या गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड कराना है कि मैंने हर चीज़ इंग्लिश में लिखी, नहीं ना, यस और नो, तो शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है, पेपर में मत लिखो इंग्लिश में, कहाँ बोल रहा पेपर में लिखो, यस और नो, तो लेकिन नोट्स में लिख लो तो बाद में याद रहने में बहुत काम देगा। पहला पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट होगा और एक वेरिएबल होगा, फिक्स पॉइंट मतलब कुछ गिवन कंडीशन होगी, है ना, एक वेरिएबल पॉइंट होगा और वेरिएबल, वेरिएबल पॉइंट कैसे मूव करेगा, कैसे विच मूव, देखो लिखा है विच मूव ही ना, गिवन कंडीशन, कैसे मूव, मूव करेगा, मूव मतलब जाएगा, ट्रेवल करेगा, कैसे मूव करेगा, करेगा उसकी कंडीशन देगा, उसकी कंडीशन देगा, कंडीशन देगा, दी हुई कंडीशन किस, दी हुई कंडीशन विद विद बाय हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन, कंडीशन से एक इक्वेशन बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है, बनानी है, है ना। तो क्या है, एक फिक्स पॉइंट होगा, है ना, दूसरा एक और एक वेरिएबल पॉइंट होगा, और वेरिएबल पॉइंट कैसे मूव करेगा उसकी कंडीशन दी होगी, दी हुई कंडीशन के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन बनानी है, ये आपका आ गया लोकस। चार पॉइंट है, याद रख लो, लोकस समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। सर हम लोग इंग्लिश से लिखेंगे तो प्लीज़ यार देखो, मैं समझता हूँ आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इंग्लिश की, लेकिन थोड़ा सा हिंदी लिखो तो ये बिल्कुल चमकता रहेगा, लोकस कभी प्रॉब्लम नहीं देगा, पेज जब भी खोलोगे तो लोकस बिल्कुल दिमाग में सारा डायग्राम छप जाएगा, गाय फूटा सब नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अब क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, लिख लो भाई, लिख लो, ठीक है सर, लिख लेते हैं, अगर समझा नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं। अरे नहीं समझेगा, ऐसा हो नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूँ समझेगा लोकस यार, नहीं समझा 10 लेक्चर लेंगे लोकस के ऊपर, समझा के मानेंगे, टेंशन ना लो, चलो आ जाइए। तो इसको इरेज करके डायरेक्ट अब लोकस के मूव करते हैं स्टेप में, है ना, स्टेप टू फाइंड लोकस, हेडिंग डालो स्टेप टू फाइंड लोकस, स्टेप टू फाइंड लोकस। तो पहला फर्स्ट पॉइंट हमेशा याद रखना, स्टेप नंबर वन क्या होगा, जिसका लोकस पूछा है, जिसका लोकस पूछा है उस पॉइंट को एच कॉमा के मान लो। सर एच कॉमा के अगर दिया है तो
तो मेरे इन जनरल एस कॉमा के मान लो, अगर एस कॉमा के दिया है तो अल्फा कॉमा बीटा मान लो ना यार, नहीं अल्फा कॉमा बीटा भी दिया था, ए कॉमा भी मान लो सर वो भी दिया, अरे जो मन करे एक्स वन वाई वन मान लो और एच वन कॉमा के वन मान लो, ये लो कुछ भी मान लो, लेकिन कुछ अज्यूम कर लो ठीक है। ओके तो फर्स्ट स्टेप नंबर वन, अज्यूम पॉइंट एच कॉमा के, इसको अज्यूम करना है दैट पॉइंट, अज्यूम पॉइंट दैट आस्किंग फॉर लोकस, जिसके लिए पूछा है क्या फॉर लोकस। ओके सर स्टेप नंबर टू क्या है, स्टेप नंबर टू है, ये स्टेप नंबर वन है और ये स्टेप नंबर टू है। स्टेप टू क्या है कि आपको कुछ कंडीशन दी होगी ठीक है, आपको कुछ कंडीशन दी है तो उस कंडीशन के रिस्पेक्ट में आपको इक्वेशन बनानी है। कुछ कंडीशन दी होगी, कंडीशन हिडन भी हो सकती है डायरेक्ट भी हो सकती है ठीक है। तो कंडीशन कैसी भी हो सकती है, कंडीशन हिडन भी हो सकती है या फिर डायरेक्ट बिल्कुल बोल सकता है डायरेक्ट कंडीशन, तो हिडन कंडीशन दोनों देखेंगे ठीक है। स्टेप नंबर टू विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन मेक इक्वेशन। गिवन कंडीशन, कंडीशन कैसे हो सकती है, हिडन भी हो सकती है मतलब छुपी हुई हो सकती है या फिर गिवन हो सकती है डायरेक्ट हो सकती है या फिर डायरेक्ट हो सकती है ना। तो जेई में अब आपको मालूम है कि जेई में डायरेक्ट कंडीशन दे दे तो ऐसा हो जाएगा, खाना बना दिया थाली रख दिया खिला ले बेटा खा ले, ऐसा तो होगा नहीं जेई वाला। तो जेई वाला 99% हिडन देगा, हम लोग भी बहुत सारे हिडन में क्वेश्चन करेंगे लेकिन डायरेक्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हिडन तो इस जन्म में नहीं आएगा ये सर। तो पहले हिडन, पहले डायरेक्ट फिर हिडन। विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन मेक वन इक्वेशन, इक्वेशन बनाते समय याद रखना है कि एच कॉमा के उसमें इंक्लूड होना चाहिए, मस्ट एच कॉमा के पॉइंट इन द इक्वेशन इक्वेशन में एच कॉमा के पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो वो इक्वेशन किसी काम के नहीं। एच कॉमा के को आपको जबरदस्ती लेना ही लेना है, इक्वेशन एच कॉमा के की हेल्प से अगर आपने नहीं बनाया तो वो लोकस नहीं माना जाएगा। तो एच कॉमा के आपको जबरदस्ती घुसाना है, ये कंडीशन ये भी है ना, एच कॉमा के। स्टेप नंबर थ्री और लास्ट स्टेप है, पुट एच इजिक्वल्स टू एक्स एंड के इजिक्वल्स टू वाई इन द लास्ट। सारा इक्वेशन बन गई, इक्वेशन आपको मिल गई, अब लास्ट में एच की जगह एक्स डाल दो, के की जगह वाई डाल दो, काम खत्म है ना, बिल्कुल सारी चीजें खत्म हो गई, तूफान चला गया। एच इजिक्वल्स टू एक्स और के इजिक्वल्स टू वाई इन द इक्वेशन ठीक है। इक्वेशन में h की जगह x डाल दो और k की जगह y डाल दो, इक्वेशन आपकी लोकस आ चुका है ठीक है। लोकस मतलब क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ, लोकस मतलब आपको एक पॉइंट है ठीक है, एक गिवन पॉइंट है, वो पॉइंट कैसे मूव करेगा उसकी आपको कंडीशन दे देगा, बात खत्म ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँ भाई, इरेज कर दो, बिल्कुल सर इरेज कर दो, पक्का ना आ जाइए। तो अब बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो टू हीरो जाएंगे सर, जीरो से हीरो। सर ये क्या होता है भाई, बिल्कुल ये होता है आपका जीरो से जाना फिर हीरो बन जाना। चलिए तो क्वेश्चन लोकस हेडिंग बता रही है सर, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, मैं एक साथ दो क्वेश्चन कराने को ट्राई करूंगा। इफ फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी विच हैव डिस्टेंस 5 unit from the point, from fixed point 3, 1 yes or no। चलिए तो मैंने क्या बोला, जिसका लोकस निकालना है पहले, सबसे पहले क्या करना है उसको एच कॉमा के बांधना है, यस और नो, बिना सोचे समझे, क्योंकि अब यहाँ पे एच कॉमा के दिया नहीं है। तो स्टेप नंबर वन, लेट्स P इज इक्वल टू एच कॉमा के ठीक है, P इज इक्वल टू एच कॉमा के ओके ठीक है। अब स्टेप नंबर टू में थोड़ा ट्राई करो कि डायग्राम कुछ बन जाए, यस और नो। तो क्या बोल रहे हैं कि एक कोई फिक्स पॉइंट है दैट इज 3, 1 यस और नो, वहां से जो P पॉइंट है वो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे, यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है क्या एच कॉमा के, यस और नो। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बच रहा है सर, आपने बोला कि इक्वेशन बनाओ, हाँ ठीक है इक्वेशन बनाना है, अरे काम कर सकते हैं क्या बोलो, इक्वेशन बनाना है तो स्लोप तो दिया नहीं है, क्यों स्लोप से ही इक्वेशन बना सकते हैं,
इक्वेशन सिर्फ अनवांटेड बनेगी। ऐसा मैंने कब बोला? ऐसा मैंने कुछ बोला क्या? नहीं। फिर क्या करेंगे? अरे भाई कुछ नहीं तो डिस्टेंस दिखे ना। हाँ डिस्टेंस दिखे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो ना। अरे लेकिन सर वो तो डिस्टेंस निकल रहा है, इक्वेशन कहाँ से दे रही है? मैंने कब बोला भाई कि मुझे मैं फॉर्मूला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे एक एक्स एच और के टर्म में एक इक्वेशन मिलनी चाहिए, मैं किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ, मैं किसी भी हद तक नीचे झुक सकता हूँ, ठीक है। हाँ तो आपको डिस्टेंस दिखे कितनी? 5 यूनिट। अगर आप देखोगे तो आपको 5 यूनिट डिस्टेंस दिए, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, दैट इज एच माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 द होल स्क्वायर अंडर रूट, या सॉरी नो, डिस्टेंस फार्मूला मैंने पढ़ा दिया है, एज इक्वल्स टू 5, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, वो तो कर ही सकते हैं बच्चों, बचपन से का खेल है भाई। दैट इज एच माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो अब लास्ट में क्या करना है? इसको ओपन करना क्या चाहते हो? कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बन गया है आपका। फिर लास्ट में क्या बोला था? स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 2 है जहाँ पे कंडीशन दी थी, मैंने इक्वेशन बनाई, स्टेप नंबर 2 और स्टेप 3, एच इज इक्वल्स टू एक्स और वाई इज इक्वल्स टू के, रख दूँ। चलो तो लास्ट इक्वेशन आपकी क्या बन गई? दैट इज एच की जगह क्या रखना है? एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ये लो आपकी इक्वेशन तैयार हो, ठीक है। तो सर ये है क्या एक्चुअल? पॉइंट मूव कैसे कर रहा है, किस में मूव कर रहा है पॉइंट, है ना? तो पॉइंट जो है सर्कल है। सर ये सर्कल कहाँ दिख रही है आपको? देखो आपको अभी नहीं दिखेगी, रिपीटर वालों को दिख गई होगी, लेकिन जो नॉन रिपीटर है तो उनसे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन होती है और 3,1 जो है सेंटर है, 3,1 सेंटर, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सर्कल है। जब आप आगे हम लोग सर्कल में जाएंगे तो वहां पे दिखा दूंगा कि सर्कल कैसे है, ठीक है। वहां पे आपके लिए पानी कम चाय हो जाएगा, मतलब ऐसा है कि जल्दी आपके लिए, ठीक है, तो डरो मत। ओके कोई नहीं सर, नहीं डरते, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फॉरवर्ड करते हैं, मूव करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इफ पी ए इज इक्वल्स टू पी बी वेयर ए एंड बी ए एन ए 3,4 एंड बी -1,-2 आर फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या है आपके फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट, देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कोई कंडीशन नहीं दी थी, क्या कंडीशन? नहीं ना, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, ध्यान से देखोगे, आते हैं उसमें, आते हैं, पहले यहाँ देखो, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, बट ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं दी है सर, ओके। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी, कहाँ दी है सर? देखो ना, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, इसका मतलब बोलो कि भाई तू पी ए और पी बी इक्वल कर दे, लगा दे ना, आपसे यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। पी ए और पी बी इक्वल कर दो, हम लोग को मालूम है कि पी का लोकस इज फाइनल लोकस ऑफ पी। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, यस और नो, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? P को H कॉमा K मानेंगे, दैट इज P इज इक्वल्स टू H कॉमा K। अब PA और PB निकालेंगे ना, PA और PB, PA PB मतलब डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो इतना तो आप समझते हो, डिस्टेंस बिटवीन PA और PB दोनों इक्वल है, यस और नो। तो PA कितना हो जाएगा? PA इज इक्वल्स टू डिस्टेंस निकाल लो, दैट इज H माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस K माइनस 4 द होल स्क्वायर अंडर रूट, ये PA आ गया, ये सुनो, पी बी निकाल दे। चलिए तो पी बी देखो जरा, पी बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 द होल स्क्वायर, हाँ कि ना, ठीक है। अब दोनों इक्वल कर दो, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एच माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस के माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 द होल स्क्वायर, ये सॉल्व। अब क्या करूँगा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड एंड देन ओपन, तो स्क्वायर करूँगा, दोनों साइड का रूट हट जाएगा, इतना समझदार हो आप लोग, है ना, मान के चलो कितने समझदार हो कि अगर मैं दोनों को स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या देखेगा, एच माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस के माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 द होल स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बोलो,
एच का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 के माइनस 6x प्लस k का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस k का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k। ये क्या कर दिया सर? अरे भाई a माइनस b a माइनस b a प्लस b a प्लस b, ये कैंसिल तो भी कैंसिल तो भी कैंसिल तो भी कैंसिल, यस और नो? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, पता ही जहर है, ठीक है कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस सिक्स एच, आप थोड़ा सा मैं देखो जरा, माइनस सिक्स एक्स और प्लस टू एच, यस और नो? तो मैं उसको उस साइड लेके जा रहा हूँ, तो माइनस सिक्स एक्स और वो कितना हो गया, एट एच हो गया। ओके देन अब देखो ब्लू ले रहा हूँ, ठीक है ब्लू है पानी पानी, माइनस एट के और प्लस फोर के, इधर माइनस इधर लेके जा रहा हूँ तो कितना हो जा रहा है, ट्वेल्व के बारह के, ठीक है। अब ले रहा हूँ मैं ब्लैक तो नहीं ले सकता, लेकिन ठीक है रेड ही लेते हैं, लेकिन ये बार फॉन्ट चेंज कर दूंगा। ये है आपका 16 प्लस 9 25, हाँ बिल्कुल 25 है, ठीक है। तो इसको इस साइड लेके आ जाओ तो चार एक पाँच, तो 20 हो जाएगा आपका एज इक्वल टू 20, ठीक है। चाहो तो 4 से डिवाइड कर दो, चाहो तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 टू जा 8 एच प्लस 4 टू जा 8 प्लस 3 के एज इक्वल टू 4 पंचे 20, ये आ गई इक्वेशन, है ना। तो ये इक्वेशन क्या रही आपकी, रुक जाओ एक सेकंड, लास्ट स्टेप क्या है सर, h की जगह x रखना है और k की जगह पे y रखना है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। स्टेप सारे याद रखो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो h की जगह x और k की जगह y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं होते लोकस के, लेंदी होते हैं, देख सकते हो लेंदी तो है भाई, वो मैं मानता हूँ लेंदी होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी, कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन बहुत लंबे चले जाते हैं, लेंदी मैं मानता हूँ यार, उसमें एग्री करता हूँ, तो उसके साथ में आपके लिए, ठीक है। दो क्वेश्चन कॉपी करो, ये इक्वेशन क्या लोकस क्या है, अगर कोई पूछे कि लोकस क्या है भाई, तो एक इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जो लोकस आया वो आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ओके तो इसको लिखो, आगे मूव करते हैं, चले आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और मूव करते हैं, आ जाइए जरा, चलिए तो फटाफट दो एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, है ना। आप तो बिल्कुल मतलब प्रैक्टिस ही आ गया, मैंने बताने कि इसमें फॉर्मूला है नहीं, मजा देखो, चीज़ें टफ तब नहीं होती जब हम लोग को आती ना हो, या फिर आती हो, चीज़ें टफ तब होती जब उसका फॉर्मूला ही ना हो, मालूम ही ना कि भाई सर क्या है पैर क्या है, या सर लो, अरे मान लो आपके ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि हमला कहाँ से हो रहा है, आकाश से हो रहा है कि पाताल से हो रहा है। याद होगा आप, अगर आप लोग रामायण देखते हो ना, तो रामायण जब आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी को जो क्या नाम था उसका, इंद्र को जिसने हराया था, इंद्र ने नहीं, इंद्र को जिसने हराया था, इंद्र विजेता था ना, रावण का एक पुत्र था ना, है ना। तो उसने क्या कर दिया था, हवा में उड़ के मार रहा था, या सुन लू नाम याद आ रहा है, दिमाग से बैठा है यार, मुझे रामायण के सारे पात्र के नाम काफी अच्छे से याद है, मतलब याद है तो याद है यार। तो प्रॉब्लम तब नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती जैसे एक देखो राम भगवान को भी ना, इंद्र विजेता था यार, उसका कुछ तो नाम था यार, इंद्रजीत, हाँ इंद्रजीत, हाँ बिल्कुल याद आ गया आपका, क्या था इंद्रजीत। देखो कैसे राम भगवान को भी, राम भगवान और रमण जी लक्ष्मण जी को भी, दोनों को एक बार धनुष मार के क्या कर दिया था, गिरा दिया था, यस और नो? मतलब वो सांप वाला धनुष चला दिया था, यस और नो? तो कैसे चलाया था, कि हवे से चला रहा था ना, हवे से फायर कर रहा था, कभी इधर से कभी इधर से। तो प्रॉब्लम तब नहीं कि सामने से बढ़ा है, प्रॉब्लम तब होती कि जब कहीं से भी आ जाए। तो ये लोकस ऐसा ही है, कहीं से भी लोकस पूछ लेते, लोकस इज लाइक इंद्रजीत, मैं कहीं से भी मारूंगा, जो कर दे मेरा कर ले, और मैं आऊंगा जरूर। और इंद्रजीत आया था तीन, मतलब फर्स्ट टाइम आया था तो भी जीत के चला गया था, सेकंड टाइम आया था तो लक्ष्मण जी को वो मूर्छित वाला बाण चला दिया था, थर्ड टाइम जरूर आया था तो फिर निपट के चला गया था। फिर लक्ष्मण जी बोले रुक रुक तू बहुत ज्यादा, अब ज्यादा उड़ने का नहीं था, मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया, बहुत ज्यादा तेरे साथ खेल खेल लिया, आ जा मैं तुझे निपटाता हूँ, तेरा दिन गया। तो फिर लक्ष्मण जी ने उसको बोला ये लो भाई टाटा बाय बाय ओके मिलेंगे फिर ऊपर आएंगे। तो फिर तो ये स्लोप आपका वही है, अगर आप इसको मार दिए तो फिर तो बात ही खत्म। इंद्रजीत मरने के बाद रावण रामायण में बचा क्या था, कुछ तो नहीं बचा था ना, आप लोग रामायण देखते हो यार। चलिए सर क्या बोल रहे हो यार, ये लॉकडाउन में पूरा रामायण देखे, देखना चाहिए यार, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है ना, रामायण महाभारत इन सब चीज़ों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रॉड ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल इंक्लाइंड ऑन एक्सेस,
ठीक है, एक्सेस में इंक्लाइन है, ओके, फाइंड लोकस, लोकस फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट ए फाइंड करो आप, ए क्या है, ए लिखो, इफ फाइंड लोकस ऑफ, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ रॉड पहला है, ठीक है, सेकंड, सेकंड, सेकंड देखो, सेकंड फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी विच डिवाइड, डी आई वी डिवाइड द रॉड, द रॉड इन द रेशियो, इन द रेशियो 2:3, ओके, ठीक है। तो इसका ए बी और सी पार्ट और लेंगे, सी पार्ट, लेकिन स्पेस नहीं है तो सी पार्ट में बाद में लो, चलेगा ना, सेम क्वेश्चन सी पार्ट बाद में लेता, ओके आ जाइए। तो स्टार्ट करें क्या, पहले तो एक डायग्राम हो जाए भैया, सॉरी पहले तो एक डायग्राम हो जाए, चलिए आ जाइए जरा सॉल्यूशन। तो डायग्राम की बात करते हैं, एक रॉड है, ये लो आपकी एक रॉड है, चलो रॉड जैसा बना देते, इसको मस्त मोटा जोड़ा, ये लो, अरे रॉड ऐसी क्या होती है, ऊपर पतली होती है, मेरे घर में हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मैं डायग्राम नहीं मिटा हुआ, देख लो मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा, ठीक है। तो पहले केस में क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है, तो ए लिखते हैं, आ जाइए ए लिखते हैं, तो मुझे मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, ओके। तो इसको मैं पी मान लेता हूँ, ये मुझे मिड पॉइंट का चाहिए, तो दूसरे को पी मान, इसको आप क्या मान लो, क्यू मान लो, ठीक है, ये लो, तो मैं मान लेता हूँ क्यू, ए चल रहा है, ठीक है ना, ए चल रहा है, ओके। तो आपको मालूम है कि जिसका लोकस पूछा है, स्टेप नंबर वन बोलता है कि उसको एच कॉमा के मान लो, अगर एच कॉमा के क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, ठीक है सर, ओके मान लिया, अब क्या करेंगे, ठीक है, राइट करते हैं। देखो आप सबको मालूम कि इसका पॉइंट और इसका पॉइंट लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसके लिए एग्री है, तो लिख दो पहले यार, ठीक है, ये लो जीरो कॉमा बी और ए कॉमा जीरो, सर आपको कैसे मालूम कि जीरो कॉमा बी आएगा और ए कॉमा जीरो आएगा, कहाँ भाई कहाँ खोए हो भाई, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, तो वाई एक्सेस में क्या होता है, एक्स जीरो होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, और एक्स एक्सेस में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, यस और नो, वाई एक्सेस में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और एक्स एक्सेस में वाई कोऑर्डिनेट जीरो, दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है ना, यस और नो, बिल्कुल उनके क्षेत्र में जाना नहीं, जैसे पुरानी मूवी जो होती थी उनके क्षेत्र में गए तो काट डालते थे, वो एक सनम बेवफा करके मूवी है ना सलमान खान की, देखो तो मालूम पड़ जाएगा, मूवी का बड़ा पता है सर, हाई एक्सपीरियंस बंदा, चलिए ओके, तो क्यू हो गया, ठीक है सर, लेकिन लेकिन को छोड़ो, ये बताओ क्यू एच कॉमा क्या है, हाँ क्यू मिड पॉइंट है क्या, हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं समझा सर, अभी क्यों नहीं समझा सर, कंडीशन दी है तो चलो ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, हाँ तो मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, अच्छा इक्वेशन आपने बना ली क्या, हाँ भाई पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन तो बनाई जा सकती है ए और बी के टर्म में, ठीक है ये लिख लो पहले, लिख लो पहले फिर बात करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन आप एक बात भूल गए मेरी, कि मैंने बोला था इक्वेशन अगर बनाओगे तो ए और बी की हेल्प से नहीं, आपको किसकी हेल्प से बनानी है, जो आपने यूज किया है, जो आपने माना है लोकस उसकी हेल्प से, मतलब यहाँ पे एच कॉमा के रखना है, हाँ ए की जगह एच, मतलब जो जैसा हो, ठीक है मैं नहीं बोलता ए की जगह, के की जगह रख दो एच, लेकिन कैसे सर, देखो एक बात तो हो सकती है क्या, जीरो जीरो प्लस ए बटे दो इज इक्वल टू एच, अगर एग्री हो तो बोलो, ये क्या हो गया भाई, नहीं समझा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यार, रॉड को उसने मिड पॉइंट बोला है ना, तो यहाँ से ए निकल जाएगा क्या, देख लो कि जीरो प्लस ए, तो ए इज इक्वल टू टू एच लिखूंगा तो कोई बुराई नहीं है, हाँ बात तो सही है, चलिए अब बात करते हैं बी की सर, तो ऐसा बोला जा सकता है कि कैसे, ध्यान बस आप ध्यान दीजिए, बोलते जाओ बस मेरे साथ, दैट इज बी प्लस जीरो इज बाय टू इज इक्वल टू के, यहाँ से बी इज इक्वल टू टू के हो सकता है क्या, ओके हाँ हाँ, मतलब ए और बी तो काम तो बन गया, हाँ काम बन गया, रख दो रख बी, ए की जगह क्या रख दोगे, ए की जगह रख दो टू एच, और बी की जगह क्या रख दोगे टू के, इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, तो बन गया इक्वेशन, दैट इज फोर एच का स्क्वायर प्लस फोर के का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, ये सॉरी ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि फोर एक्स का स्क्वायर प्लस फोर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, ये लो
चलिए, तो पार्ट वन है सर, पार्ट सेकंड करो ना। बहुत सारे लोगों ने पार्ट सेकंड को बिल्कुल मतलब उड़ा ही दिया होगा ऐसे। चलो पार्ट सेकंड देखते हैं। मैया ने ऐसे देखा मैं जल जल हो गई। चल आ जाओ, तो ये लो, ये पार्ट बी है, ठीक है, बी है, एक रॉड है बिल्कुल। ये पॉइंट क्या है आपका, पी है। पी जो है आपका 2:3 में डिवाइड करते हैं। देखो ना, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी बिच डिवाइड द रॉड इन 2:3 रेशो, रेशो ऑफ 2:3। तो 2 ऊपर ले लो 3 नीचे। सर ये 2:3:2 नहीं ले सकते। देखो पहले 2 दिया है तो 2 ऊपर ले लो 3 नीचे ले लो, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक, कोई इशू वाली बात नहीं। ओके, तो उसका डरो मत, ठीक है, ऐसे दिमाग में डाउट रहता है, डरना मत, 2:3 ले लो। ओके, तो ये आपका आ जाएगा हमेशा की तरह 0, b, जैसे उधर माना है, और ये 0, कंडीशन तो अभी भी रहेगी, a² + b² = l, और a और b निकाला जा सकता है क्या? हाँ, कैसे सर? a और b निकालने का जो मेथड है, ये बताओ आप, इसको मैं यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला नहीं लगा सकता, इंटरनल डिवीजन यस और नो? तब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, देखो जरा, 2 into a, 3 into 0 / 5 = h। यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से आपका आ गया 2a = 5h, a = 5h/2। रोना नहीं भाई, देखो 5h/2 आ रहा है। ओहो ओहो ओहो, ठीक 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 ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। 3 into b, 2 into 0, 3 into b + 2 into 0, 3 into b + 2 into 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था भाई डिवीजन फॉर्मूले में, भूलना नहीं मेरे भाई, / 5 = k, तो 3b = 5k, b = 5k/3, हाँ कि ना? ठीक है सर, ए और बी अब रख दो उसमें कंडीशन में, यस सर रख दो भाई, रख दो यार, डर क्यों रहे हो? चलो ये हो गया आपका ए, क्या है आपका 5h/2 the whole square + b, क्या है आपका 5k/3 the whole square = l² हो गया आपका क्या भाई, यहाँ से, यहाँ से आपका आ गया 25। अब मैं x रख दूँ h की जगह पे, x² / 4 + 25 y² / 9 = l² यस और नो? देख लो कितना इजी क्वेश्चन है, हाँ कि ना? ठीक है ना? ओके, तो लिखो एक और केस, मतलब सी इसमें इंक्लूड करते, सोल्यूशन मिटा दूंगा, सी इसमें ले लूंगा, ठीक है ना, सोल्यूशन मिटा दूंगा, सी डाल दूंगा। ए देख बता रहा हूँ, ए और बी का सॉल्व कर दिया मैंने, अब मैं सी क्वेश्चन इसमें तैयार कर दूंगा, लेकिन सी को मैं अलग से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। डी भी तैयार कर सकता हूँ, डी भी तैयार कर सकता हूँ, उसका कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, करें इरेज, आ जाओ। आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यार, कल एक और लेक्चर लेंगे इसमें लोकस में, हर कोई दो नहीं एक लेता है, मैं दो लूंगा, क्यों? क्योंकि मैं को अच्छा लगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे आपका, इसलिए। और कुछ नहीं यार, मैं और मैं कोई महान भगवान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लोकस में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, सच्चाई तो यही है यार, मतलब मुझे लोकस सीखने में ना, खुद से जब मैंने कम से कम लोकस के भाई ढूंढ ढूंढ के जितने जेई के पीवाई क्वेश्चन आए थे ना, ढूंढ ढूंढ के इतना ढूंढा मैंने लोकस के प्रैक्टिस, तब जाके लोकस में मेरा हाथ बैठा था। फिर एक समय ऐसा आ गया था कि मतलब, अभी तो चलो पढ़ाते पढ़ाते आदत पड़ गई, अभी की बात नहीं करें, जब मैं 11th 12th में तब की बात कर रहा हूँ, इतना ढूंढ के मैंने लोकस प्रैक्टिस किया था, फिर लोकस में कोई क्वेश्चन आता था मैं डरता नहीं था, बोलता आने दो भाई लोकस का तो कर ही लेंगे, इतना प्रैक्टिस कर लिया था, है ना, तो वही मैं आपको करा दूंगा, है ना, तो डोंट वरी, बोलो हरी ओम हरी। सी पार्ट क्या है आपका, फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड made by triangle with the help of rod. ओके, तो ए हो गया है, बी हो गया है, अब सी की बारी है। चलिए, तो एक डायग्राम तो बना ही सकते हैं यहाँ पे, है ना, और कुछ ना, सही, तो डायग्राम तो बना ही सकते हैं और क्या, ये लो बना दिया, ये लो रॉड लगा दिया, अब रॉड ऐसे रखते, ठीक है ना, रॉड लगा दिया। ओके, तो सेंट्रॉइड का पूछा है, यस और नो? तो सेंट्रॉइड जी होता है,
जी को मैं एच कॉमा के मान लूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि सेंट्रोइड जिसका पूछेगा आंख बंद करके एच कॉमा के मानेंगे, मैं वही रूल फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ा अभिषेक ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो कॉमा बी, ये हो जाएगा आपका ए कॉमा जीरो, और ये हो जाएगा आपका दो। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड मेड बाय द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ रॉड एंड ओरिजन, ओरिजन ठीक है, ओरिजन भी लिख दो एंड ओरिजन, ये हो जाएगा आपका जीरो कॉमा जी। तो सेंट्रोइड कहीं ना कहीं अंदर ही लाई करेगा, यस और नो? बात तो बिल्कुल सही है, यस और नो? इसमें आपको सरकम सेंटर का भी लोकस पूछ सकता है। सरकम सेंटर का लोकस कैसे बताएंगे, सरकम सेंटर का लोकस कैसे बताएंगे अगर पूछेगा तो? अब एक प्रॉपर्टी याद करो, सोच लिया, अब प्रॉपर्टी याद करो। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर लाई इन अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर लाई इन अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, हाँ कि ना? तो अभी हम लोगों ने जो ये निकाला ना, ये द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, तो इसका मतलब है कि मैंने आपको किसका लोकस निकाल दिया, सरकम सेंटर का, यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं डराना नहीं चाहता था अभी के लिए, ठीक है। तो जी के लिए चलिए, तो जी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। बोलो, मैं बोल सकता हूँ कि एच इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो प्लस ए बटे तीन, यहाँ से आपका एच आ जाएगा, दैट इज थ्री एच इज इक्वल टू ए। सिमिलरली के इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो प्लस बी, के इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो प्लस बी बटे तीन, दैट इज थ्री के इज इक्वल टू बी। ए और बी मिल गया, और हम लोग को कंडीशन मालूम है क्या है भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, यस और नो? दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। ए मालूम है, दैट इज थ्री एच है द होल स्क्वायर। बी मालूम है मेरे भाई, बी कितना है, थ्री के द होल स्क्वायर है, थ्री के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा नाइन एच का स्क्वायर प्लस नाइन के का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। फिर लास्ट में क्या करना है बोलो, एक्स एच इज इक्वल टू एक्स रखना है, एच इज इक्वल टू, रुको पेन चेंज कर देते हैं, दैट इज एच इज इक्वल टू एक्स रखना है, और वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू के रख देना है, ठीक है। मतलब जहाँ पे के रखा है वहाँ पे वाई रख देना है। आ जाइए ऊपर कर देते, जब जगह हो तो इंडियन वाले बहुत फैला जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था इंडियन का लॉजिक। अब मैं आराम से यहाँ पे फैला के लिखूँ, दैट इज नाइन एक्स का स्क्वायर प्लस नाइन नाइन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। यहाँ से चाहो तो बाहर ले लो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय एल बाय नाइन एल स्क्वायर अपॉन नाइन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, यस और नो? बात तो बिल्कुल चंगी है, ठीक है ना? तो लिखो इसको, आगे की ओर मूव करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मूव करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, बस इसमें तीन भी बन सकता है, जनरली तीन ही बनाया जा सकता है, ठीक है ना? तो और आगे की ओर फर्दर मूव करते हैं ना, और जनरल क्वेश्चन लेते हैं। एक और लेक्चर मुझे मेरे हिसाब से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन मैं ही कराना चाहता हूँ, टफ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, टफ ऐसे कि जो थोड़ा सा मेंस लाइक हो ना, जिसमें कंडीशन ना दी हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें समझ में ना आए लोकस निकालने हैं कि लोकस क्या निकालना है, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो क्वेश्चन लोकस का, ठीक है। तो क्वेश्चन ढूंढेंगे पहले आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन कहीं ना अच्छे क्वेश्चन जो एडवांस या मेंस लाइक कहीं ना कहीं ढूंढेंगे। टेंशन ना लो यार, आपके लिए किडनी दे देंगे, किडनी आंत गुर्दा सब दे देंगे, टेंशन ना लो, आ जाओ। नहीं सर किडनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन करा दो बस, फिर ठीक है। मजाक करता, मैं देगा नहीं किडनी अपना, दो ही किडनी है, बेच के आईफोन लेना है कि, मतलब भाई मजाक कर रहे हो अभी, आईफोन 14 चला गया, अब तो सोच रहा हूँ एक किडनी और एक कहाँ, क्योंकि आईफोन 15 जब आएगा तो 2 लाख के आसपास होगा, और किडनी मेरी 1.5 लाख की, तो नहीं आप उन लोग दो एक एक आँख में जिंदा रह लेंगे, आईफोन लेना है यार, मजाक थोड़ी ना है। आ जाओ ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड लोकस ऑफ लोकस लोकस ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, एक पी पॉइंट का लोकस निकालना है, विच इज पॉइंट पी, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी इफ इफ यदि पी ए प्लस पी ए द होल स्क्वायर प्लस पी बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू
सी इज टू सी स्क्वायर वेयर वेयर ए दैट इज 3,4 एंड सॉरी वेयर ए इज 1,0 सर वो नंबर क्यों मिटा दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्वेश्चन सॉल्व, इससे भी होगा उससे भी होगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। वेयर ए स्क्वायर ए एंड बी दैट इज -A,0 आर टू फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ भी आपको कंडीशन बिल्कुल लिख के दे दिया ठीक है। यस और नो, बिल्कुल सर बात भली है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, नेक्स्ट यही क्वेश्चन लेंगे लेकिन स्क्वायर मिटा देंगे फिर कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं ठीक है, लेकिन उस केस में नंबर ले लिया, ऐसे बिना नंबर के बात नहीं बनेगी। चलिए तो शुरू करें, बिल्कुल सर शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, जो कंडीशन दी हो लगा देंगे। यस और नो, कंडीशन में क्या बोला है, एक कोई पॉइंट है ए और बी कोई फिक्स पॉइंट है दैट इज ए, ए कॉमा जीरो, और बी क्या है आपका, बी है मेरा -A,0 ठीक है। एक कोई और पॉइंट है कहीं भी मान लो, जहां पे मन करे यहाँ पे मान लो, ये लो यहाँ पे मान लो, तो यहाँ से ये डिस्टेंस ये हंड्रेड इज पी मान लो, पॉइंट इधर भी हो सकता है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मैं पॉइंट की एग्री नहीं हूँ कि यहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा कि अंदर ही होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई, मेरे को कहीं ना कहीं तो लेना है, मैं यहाँ ले लूँगा तो भी बोलोगे सर यहाँ कैसे आएगा, मैं यहाँ ले लूँगा तो भी आप बोल दोगे यस और नो, मैं ये बोलना नहीं, मैं बोला कहीं भी हो सकता है, ये पूरे प्लेन में कहीं भी हो सकता है, तो मैं मान लिया कि यहीं पे होगा ऐसा मैंने अज्यूम किया है, और ये डिस्टेंस हमेशा जो सम होता है उनके सम का स्क्वायर दैट इज दिया है यहाँ पे पी ए द होल स्क्वायर प्लस पी बी द होल स्क्वायर, हमेशा क्या होता है एक कॉन्स्टेंट नंबर दैट इज सी, सी क्या है आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ओके। जो कंडीशन दी है वो कंडीशन लगा देते हैं यस और नो, तो पी को सोल्यूशन सोल्यूशन तो देरी से स्टार्ट हो गया था, हमेशा क्या अज्यूम करेंगे बोलो p इज इक्वल टू बोलो कॉमा के, क्यों मैंने बोला है ना भाई कि जिसका लोकस पूछे उसको h कॉमा के अज्यूम कर लो हाँ कि ना ठीक है, ये हो जाएगा h कॉमा के, ये डिस्टेंस निकालो इसका स्क्वायर करो, ये डिस्टेंस निकालो स्क्वायर कर दो। चलिए तो पहले पी ए निकाल देते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के एच माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ये आपका पी आ गया, इसका स्क्वायर अगर कर दोगे पी ए का स्क्वायर स्क्वायर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सॉरी अंडर रूट हो जाएगा दैट इज एच माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, हाँ कि नहीं बात तो सही है सर, इस बात से आई थिंक सब लोग इत्तफाक रखते होंगे, क्या रखते होंगे इत्तफाक, इट इज अ उर्दू शब्द ओके सो डोंट वरी, इत्तफाक मतलब एग्री हो आप लोग इस बात से। चलिए एंड देन है आपका पी बी द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच प्लस ए द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर द होल स्क्वायर, यस और नो, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एच माइनस एच प्लस ए द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, अब दोनों का सम करके सी स्क्वायर के बराबर कर देते, यही तो बोल रहे हैं ना भैया, क्या बोल रहा है यही बोल रहा है दैट इज पी ए द होल स्क्वायर प्लस पी बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो पी ए कितना है भाई ये है पी बी की स्क्वायर ये है तो रख दो और स्क्वायर और ऐड कर दो और क्या भाई, तो एच माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर ठीक है प्लस एच प्लस ए, बहुत लेंदी है मैं मानता हूँ इस बात से लेंदी है, नीड आने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल हिस्ट्री जैसा है ना, क्योंकि मैथ्स लग नहीं रह सर मैथ्स ही है मेरे भाई मैथ्स ही है, तो डरना नहीं है चलिए एच माइनस ए अब ओपन कर दो और क्या करोगे यस और नो दैट इज एच का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू एच प्लस के का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू एच प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, कुछ नहीं किया सर ओपन कर दिया बिल्कुल शांतिपूर्वक ओपन किया हूँ बिल्कुल मजे होले होले ओपन किया हूँ ठीक है, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए ठीक है, तो यहाँ से बचा आपको टू एच स्क्वायर प्लस टू के का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर, तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी लोकस आ गई, फिर इसके बाद क्या करना है लोकस के लिए लास्ट में h की जगह x रख देना है, भूलना नहीं है h की जगह x रख दो और k की जगह पे y रख दो, भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय टू माइनस ए,
सर वैसे तो आप हमेशा सर्कल सर्कल बोलते हो, क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ सर कि जो पॉइंट होगा वो सर्कल पे लाई करेगा, बिल्कुल सही है, पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन बना देगा वो सर्कल जैसी बना देगा, ठीक है, ए और बी से क्या हो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस हो, एक सर्कल जैसी कंडीशन बना देगा, ठीक है। ओके सर, ठीक 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 अच्छी बात है, बात तो सही है, ठीक है, कोई नहीं, ओके, तो इसको आप लिखो और आगे मूव करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन लिया जाए, बहुत आराम से जा रहा हूँ, वैसे तो मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ाता हूँ ऐसा मुझे लगता है, अगर आपको सच में लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ाता हूँ तो बड़ा बेसिक एडवाइस दे सकते हो, ना बोल सकते हो कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ यार, है ना, थोड़ा स्लो पढ़ाइए सर, तो मैं बिल्कुल इसमें सोचूंगा, सोच विचार करेंगे और स्लो पढ़ाएंगे, डोंट वरी, आपकी हर एक मार्क, जैसे कोचिंग में बोलते भी नहीं बोलते सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ ना यार, सर लेकिन कोचिंग में फीस देते, अरे कोचिंग में फीस देते हो आप, मुझे टाइम दे रहे हो, और दुनिया में टाइम से ज़्यादा अमूल्य चीज़ कुछ नहीं है, टाइम इज एवरीथिंग ब्रो, है ना, अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो तो मतलब आप मुझे पैसे ही दे रहे हो, इसका मतलब समझो, है ना, टाइम दे रहे हो किसी को इसका मतलब आप पैसे दे रहे हो, क्योंकि पैसे तो चलो कहीं ना कहीं वो कहीं और से निकाल लेगा, लेकिन टाइम जो आपने दे दिया वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए टाइम अमूल्य है यार, जब टाइम देते हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो सर के थोड़ा स्लो पढ़ाइए, यस और नो, यहाँ पे डाउट रह जाता है तो बिल्कुल डाउट पूछने का आपको 100 of 10% हक है सर, 100 of 10% हक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इफ पॉइंट, फाइंड डायरेक्ट लिखते हैं, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी, इफ फाइंड लोकस ऑफ पी ओ एन टी पॉइंट पी, पॉइंट पी का आपको लोकस बताना है, इफ इफ पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 2 दिया है, ठीक है, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 2, ओके, वेयर ए एंड बी आर, वेयर ए दैट इज 2,3 एंड सॉरी 2,0 एंड बी -2,0, ठीक है, ओके, 2,0 एंड -2,0 आर टू फिक्स्ड पॉइंट, आर टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, ये मैंने ऐसी कंडीशन लिख दी है, क्वेश्चन में क्या करेगा ये ऐसा ना लिख के कुछ और फॉर्म में बोल के मुंह से बोल देगा, ठीक है, इंग्लिश में लिख देगा, यस और नो, ठीक है, ओके, तो सॉल्यूशन आ जाइए, सॉल्यूशन पहले पी ए निकाल दो, फिर पी बी निकाल दो, फिर ऐड कर दो और मजे कर लो, यस और नो, तो बड़ा अभी से क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप नंबर 1, पी को एच कॉमा के मानेंगे, क्यों मानोगे सर, शादी में आए हो क्या, बिल्कुल नहीं, अगर कोई लोकस है मेरे बालक तो लोकस को क्या मानते हैं, एच कॉमा के, हाँ कि ना, बिल्कुल सर एच कॉमा के मानते हैं, तो मैंने पी पॉइंट को क्या कर दिया, एच कॉमा के मान लिया, मुझे नहीं लगता परेशानी होगी, बात तो सही है, तो पी ए क्या होगा बोलो सर, पी ए हो जाएगा, ए क्या है ये है और पी क्या है, लिख दो यहाँ पे, ए सर है आपका 2,0, चलिए तो पी ए बता दो जरा सर, ये हो जाएगा एच माइनस सॉरी 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 सॉली बाबा सॉली एच माइनस 2 और के माइनस 0 दैट इज के का स्क्वायर, सर पी बी क्या होगा, अरे मेरे भाई पी बी को बी यहाँ पे लिख लो इसकी -2,0, ये हो जाएगा सर एच प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक है, ये पी ए और पी बी, सर इसके बाद क्या बोला है, अरे कंडीशन दे रखा है ना भाई, पी ए प्लस पी बी कितना है सर, स्क्वायर तो नहीं करना, नहीं स्क्वायर नहीं करना, 2 है, ओके ठीक है रख दो सर, दैट इज पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 2, ये क्या है गिवन है, कंडीशन दे रखा है उसने, बिल्कुल मतलब परोस दिया है खाना, ले लो और उठा के खा लो, अब क्या करूँ मैं, नहीं खा पा रहे हो तो, पी ए कितना है ये है भाई एच माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, प्लस पी बी कितना है एच प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, अब यहाँ से प्रॉब्लम होती है, जनरली होती है, बहुत सारे बच्चों को होती है, मुझे हुई थी, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जब भी कभी भी इन फ्यूचर ऐसा कोई कंडीशन दिख जाए, कभी भी इन फ्यूचर ऐसी कोई कंडीशन दिख जाए कि इसमें दो रूट क्या हों, ऐसे हो रूट ए प्लस समथिंग रूट बी, मतलब रूट समथिंग प्लस रूट समथिंग इज इक्वल्स टू एक नंबर दिया है, नंबर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी के फॉर्म में हो सकता है, तो आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करोगे, डायरेक्ट स्क्वायर करके आप इसको इस जन्म में सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस जन्म में सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे प्रॉब्लम आएगी, मुसीबत आएगी, सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर क्या करें, एक रूट को उठाओ
और इधर पटक दो, अब सॉल्व कर सकते हो, अब सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे दो बार स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दो बार होल द स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मैंने जैसे बताया कि ऐसा कभी भी आए, मतलब पूरे कॉर्नर ज्योमेट्री में ये आपको बार बार स्ट्राइक होगा, ऐसी इक्वेशन आपको बार बार मिलेगी। तो ऐसे सॉल्व करना है, ये रूट उठा के हमेशा कर देना है, इसको एक सिंगल रूट में कन्वर्ट कर देना है। सर कौन सा ले, कौन सा इधर करे, कौन सा, ऐसा कोई रूल नहीं, जो मन करे वो करो, लेकिन एक उठा के इधर जरूर डालना है रूट, नहीं तो इक्वेशन कभी प्राप्त नहीं होगी, और प्राप्त होगी तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। इतनी बार स्क्वायर करना पड़ेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे ही करने के बाद सिर्फ दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। जो बोला मैं वही कर रहा हूँ, एच माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, यस और नो, इज इक्वल्स टू टू माइनस अंडर रूट ऑफ एच प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक है। जो मैंने बोला वही मैंने कर दिया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, अब क्या करेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, ठीक है। जब स्क्वायर ले लेंगे तो ये वाला बिल्कुल मस्त मजे से फ्री हो जाएगा, गोवा बीच में जाके मस्ती करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जनवरी वाला जेई मान लो क्लियर हो जाता है, तो आप क्या करोगे, रिलैक्स हो जाओगे, बोलोगे जेई मैंस तो फिक्स है, एडवांस पता नहीं है ना, ये जो कॉस्ट इसका स्क्वायर करोगे तो ये बेचारा फंस जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं था इसलिए, लेकिन कोई नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूँ, उसको मैं पढ़ा के यही निकलवा दूंगा नेक्स्ट सेकंड में, आ जाइए, ठीक है। तो देखो जरा, ये तो हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस फोर एच, मतलब फोर माइनस फोर एच प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा आपका फोर, यस और नो, फोर, ओके, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका h प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज फोर, डायरेक्ट लिखूं फोर अंडर रूट ऑफ h प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, ओके। तो वो वाले स्क्वायर को भी ओपन कर लेते हैं, यस और नो, दैट इज h का स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एच प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर प्लस h का स्क्वायर प्लस फोर एच प्लस फोर एच प्लस फोर प्लस के का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ द एच प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। क्या किया मैंने, मैंने सिर्फ ये वाला स्क्वायर ओपन किया है इस स्टेप से, इस स्टेप में, सॉरी, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होता हुआ आपको बिल्कुल नजर आना चाहिए, दैट इज एच स्क्वायर के स्क्वायर देन फोर और फोर, बात तो भली है सर, बिल्कुल बिल्कुल बात सही सर, इस बात से एग्री करता हूँ कि फोर फोर कैंसिल हो रहा है, ओके। तो बचा क्या सर, माइनस फोर एच प्लस फोर, सर ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस है मेरे भाई, प्लस माइनस होता जब एक साइड बराबर के एक साइड होते, या इस साइड है तो इधर आके माइनस एट एच हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इसी गड़बड़ी करने से पहले दो चार बार थोड़ा सोच लें, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल भगवान माफ़ नहीं करेंगे, मैं माफ़ कर दूंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन भगवान माफ़ नहीं करेगा, और इम्पॉर्टेंट बात है कि वो माफ़ कर दे, यस और नो, इंसान आपका कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके साथ भगवान है, ओके। अब क्या करेंगे, फोर से डिवाइड कर दो, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, ये हो गया माइनस टू एच इजिक्वल्स टू प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एच प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अब रूट को इस साइड ले लो और टू को इस साइड भेज दो, तो रूट को इस साइड ले लोगे तो रूट हो जाएगा आपका एच प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इजिक्वल्स टू, उसको इधर भेज दो तो वन प्लस टू एच। अब क्या करो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, अच्छा एक बार फिर से स्क्वायर, हाँ एक बार फिर से स्क्वायर लो, तो अब स्पेस कम है इसलिए मैं इसको स्क्वायर लूंगा और डायरेक्ट ओपन कर दूंगा, तो लिख देता हूँ टेक स्क्वायर, ठीक है, और मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो इसका ओपन हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस फोर एच प्लस फोर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस फोर एच का स्क्वायर प्लस टू टू जो फोर एच, ठीक है। कुछ कैंसिल फिर से हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, दैट इज फोर एच एंड फोर एच, ठीक है, क्योंकि ये बार दोनों बराबर के अपोजिट साइड है और साइन सेम है इसलिए कैंसिल हो रहा है, बराबर के दोनों अपोजिट साइड है इसलिए कैंसिल हो रहा है, ओके।
इधर आपका है 4h का स्क्वायर और यहाँ पे आपका h स्क्वायर, तो उसको इस साइड भेजो क्योंकि प्लस रहेगा तो अपने लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 3h का स्क्वायर, यस और नो, ओके। और प्लस k का स्क्वायर तो उधर गया, तो माइनस k का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओके। और अब देखो जरा ये उधर सब उधर चीज जा रही, तो उसको भी इधर भेजो, इधर इज 4, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये लो आपकी इक्वेशन आ गई। सर ये क्या है, अब ये क्या है इसका पता अभी लगाया नहीं जा सकता, है ना, आगे जब हम लोग देखेंगे तो इसके बारे में ही बता सकते हैं। वैसे अभी के लिए आपका हाइपरबोला है, ठीक है, अभी के लिए इसको मैं हाइपरबोला बोला जा सकता है। कब कैसे क्या तो आगे थोड़ा फर्दर मूव करने के बाद ही मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है, फर्दर मूव करने के बाद ही बता सकता हूँ। अभी खत्म हुआ क्या, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, क्यों फिर भूल गए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला था क्या कि h की जगह x रखो और k की जगह y रखो, ये सुनो, उसमें महाभारत में कुछ और बोला था, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो h की जगह x रखोगे तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ से नीचे भेज दो तो हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। तो आगे मूव किया जाए, आगे की ओर मूव किया जाए। सर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होंगे, कैसे सॉल्व होंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ बड़े बड़े तो हैं भाई, है ना। जब कल जेई के पीवाई क्वेश्चन लेंगे तब तो आपकी और हालत खराब हो जाएगी, बोलोगे सर इतने बड़े तो हैं भाई, है ना। कल थोड़ा बहुत एक दो ट्रिक सोचेंगे कि अगर निकल आती है, है ना, ट्रिक नहीं होगी, देखो मैं पहले बोलता हूँ, ट्रिक नहीं होती यार, होता है कॉन्सेप्ट, होता है क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, क्वेश्चन का एनालिसिस करके उसको छोटा कर देना, वो कभी आएगा जब आप प्रैक्टिस कर दोगे, तो हर क्वेश्चन को आप छोटा खुद से कर सकते हो, वहाँ पे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर क्वेश्चन को जब आप दो बार सॉल्व करोगे तो वहाँ पे मेरी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप खुद से उस क्वेश्चन की ट्रिक बोलो या फिर एनालिसिस बोलो या फिर उसको छोटा करने का मेथड आप खुद से निकाल सकते हो, वो तभी होगा जब आप हर क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करो, ओके ओके। चलिए तो इसको लिखो और एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी बहुत है क्वेश्चन सर, है ना, अभी बहुत है, भले चाहे डेढ़ से आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, क्वेश्चन तो है तो थोड़ा बड़ा जाएगा, इतना मैंने सोचा है, मतलब जितना बेसिक होता है उतना मुझे लेने दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को एक साथ देखने को ट्राई करो, ये भी रिक्वेस्ट है, नहीं होता तो ठीक है, अगर 3 घंटे दो घंटे लगातार नहीं बैठ सकते तो कोई नहीं, लेकिन हाँ एक प्री रिक्वेस्ट है कि अगर लोकस एक साथ देखोगे तो फील आ जाएगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन लिया जाए, अभी तो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हुई नहीं है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का भी लोकस निकाला जा सकता है। चलिए तो क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी हैविंग वर्टेक्स, हैविंग वर्टेक्स ए इज 1, 2, ओके, बी साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, ओके, सी cos थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ओके, फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड का लोकस बताइए, फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, ओके। तो एक अच्छी सी लाइन खींच लिया जाए, प्यारी सी, स्मूथ सी, बाद में उसको थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, और एक सेकेंड के लिए मैं पानी पीऊँगा, बिल्कुल पानी पीऊँगा यार, इंसान में आता हूँ मैं, है ना, मेरी गिनती इंसानों में करें, जानवर ना समझे, ठीक है, आप लोग भी चाहो तो पानी पी सकते हो। चलिए मैं पानी पी चुका हूं, आ जाइए, बिल्कुल मैं ये पार्ट काट दूंगा, ये पानी पीने वाला पार्ट काटना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन, मुझे ट्रेंगल किसका, सॉरी लोकस किसका चाहिए, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, यस ऑन, तो जी इज इक्वल्स टू एच कॉमा के, और क्या जी इज इक्वल्स टू एच कॉमा के, ओ आई सी, तो सेंट्रॉइड निकाल लो, बोल सकता हूँ एच इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 3। यहाँ से आपका आ जाएगा 3h माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके।
एक तो आ गई इक्वेशन, सर इक्वेशन तो नहीं है, आ जाएगी, टेंशन काहे ले लो, आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है आपका k, दैट इज k इज इक्वल्स टू 2 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय 3। यहाँ से आ जाएगा आपका 3k, ठीक है। सेंट्रोइड निकाल रहा भाई, सिर्फ वर्टेक्स के हेल्प से सेंट्रोइड निकाल रहा, कुछ नहीं, सेंट्रोइड निकाल रहा बस। 3k माइनस 2, 3k कर रहा हूँ और 2 को इधर भेज रहा हूँ, बिल्कुल धक्का दे रहा हूँ यहाँ से। दैट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको बॉक्स में पैक कर दो, इसको 1 नाम दे दो और इसको 2 नाम दे दो। अब मैं बोलता हूँ स्क्वायर करके ऐड कर लो। सर स्क्वायर करके ऐड क्यों करेंगे? अब देखो इसमें बताओ वेरिएबल पॉइंट क्या होगा। सर वेरिएबल पॉइंट मतलब देखो, अगर आप अभी तक ऑब्जर्व करोगे तो वो कंडीशन मैं इरेज कर रहा था जो मैं खुद से अज्यूम कर रहा था। कंडीशन कैसे अज्यूम कर सकते हो? कंडीशन तो क्वेश्चन में दी रही, मतलब जो कंडीशन दे रही थी उस कंडीशन के लिए पॉइंट अज्यूम कर रहा था। जैसे रॉड वाले क्वेश्चन में मैंने a कॉमा जीरो, फर्स्ट क्वेश्चन जाओ आप देखो, वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गया, देखो रॉड में मैंने a कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बी अज्यूम किया था। कंडीशन जो थी मैंने खुद से अज्यूम किया था ये पॉइंट, तो वो पॉइंट को मैंने रिमूव किया था, यस और नो, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरे क्वेश्चन में अगर जाओगे आप, उसके बाद क्या लिया था, उसके बाद तो चलो उसने खुद ही दे दिया था पॉइंट, ठीक है, तो वहाँ पे तो कुछ रिमूव करना नहीं। इसमें देखो जो साइन थीटा और कॉस थीटा वेरिएबल क्या है, साइन थीटा वेरिएबल है ना, थीटा चेंज होगा तो पॉइंट पी कैसे मूव करेगा, तो मुझे यहाँ से थीटा एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना, जो भी पैरामीटर होगा यहाँ पे थीटा क्या है, पैरामीटर। अभी क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें पैरामीटर एलिमिनेट करने के, वो भी कराता हूँ। तो यहाँ पे आपको थीटा एलिमिनेट करना है, कैसे होगा? एक तो आप सोच सकते हो कि सर इसको ऐड कर दो तो कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो। जिसका फर्स्ट टाइम होगा उसको थोड़ा सा कम समझेगा, सेकंड टाइम वाले को तो ये भड़ा भड़ा ऐसे क्वेश्चन देखते ही आंसर देगा वो। फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर 2, दोनों को स्क्वायर करो, फिर क्या करो सर, ऐड कर दो यार, और क्या, और आप कर भी सब कह सकते हो, ठीक है सर। तो अगर पहले को स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एच द होल स्क्वायर, यस और नो, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स ऑफ द साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ कि ना, बिल्कुल ठीक है सर, ओके। अब सेकेंड को स्क्वायर करो और ऐड करना है तो ऐसे ही लिखा रहे, 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सुनो, ऐड करना है तो लो ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने से ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो बेचारे आपस में लड़ झड़ करके मर जाएंगे, इसलिए बोलते हैं लड़ना बहुत बुरी बात है भैया, बहुत बुरी बात है, लड़ना नहीं, देखो ओके। ये हो जाएगा आपका 3h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 द होल स्क्वायर। सर ये और ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्या है, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ये लोग मैंने क्या बोला था, एक इक्वेशन जिसमें h और k होंगे, आ गया लोकस, सर लोकस तो आ गया। लास्ट वाला स्टेप क्या था सर? लास्ट था h की जगह x रख दो और k की जगह y रख दो भाई, और क्या रखोगे, यस और नो, ये लो आ गया, सॉरी ये मैंने थोड़ा प्लस नहीं लगाया यार, इसलिए मल्टीप्लाई दिखा दिया तो गलत हो जाएगा। ये लीजिए भाई, खुश 100% सर, यस और बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन है ना, एक और बेसिक क्वेश्चन हम लोग ने स्ट्राइक कर लिया तो अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे वाई मैंने नहीं लिखा और ये एक्स प्रॉपर नहीं है, देख ये, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्योंकि इक्वेशन टाइप में आपने बहुत सारे कर लिए जिसमें दो चीज, अगर एक समझते हैं, पहले करो इसको समझते हैं तो इरेज करें, तो इरेज करते हैं थोड़ा से, देखते हैं कि और टाइप के ऐसे लोकस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट इजी, मतलब अभी इजी बेस में देख रहे हैं, अभी इजी और इजी पीजी बेस में, ठीक है ना, बिल्कुल इजी इजी वाला बेस है, तो डरो मत, आज का टफ लेवल है भी नहीं। मैंने बोला कि आज का बिल्कुल बेसिक जितने क्वेश्चन आपको मार्केट में दिख जाते हैं, मार्केट में जितने क्वेश्चन दिखते हैं सारे करा दूंगा यहाँ पे, है ना, मार्केट में जितने क्वेश्चन दिख जाते हैं आज के दिन सारे हो जाएंगे। चलिए मार्केट को छोड़ूंगा नहीं मैं, चलिए
लेक्चर देखने के बहाने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, यस और नो? लेक्चर हर कोई यही चाहता है ना कि लेक्चर देखने के बहाने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, यस और नो? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ पी ओ आई एन टी पॉइंट पी, पॉइंट पी दैट इज ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज पैरामीटर, ठीक आ जाइए। ठीक है सर, बहुत तो सही है, क्या करते हैं, कैसे शुरू करेंगे? सर यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, कंडीशन कुछ नहीं दी है। हाँ बात तो सही है, एक ही पॉइंट दिया है, ना कोई कंडीशन दी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं, एक स्टेप तो हमेशा याद रखना है कि जिसका लोकस पूछा है उसको एच कॉमा के मान लो, ठीक है सर। लोकस पी का पूछा है, ये लो मान लिया, जो करने कर लो, खुश हो जाओ लो, ठीक है, देख लो, लो मान लिया, अब क्या करेंगे? मान लिया, ठीक है, और आप बताओ पी आपको ऑलरेडी दे रखा है, हाँ कितना ये दे रखा है, दैट इज ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा, आइए लिख दिया, और क्या, और बोलो तो, बोलो तो सही, कुछ आगे तो बोलो, अरे रुक जाओ यार, रुको थोड़ा सा, ओके ये बताओ एच इज इक्वल टू ए साइन थीटा होगा, हाँ, और एच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, रुको रुको सर रुको, कैसे आपने बोल दिया, ठीक है रुकते हैं, देखो भाई दोनों पॉइंट एक को ही डोनेट कर रहा है ना, हाँ, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? यार भाई अगर आप अपने भाई के, मतलब एग्जांपल गलत है लेकिन हाँ यहाँ पे प्रॉपर सूट नहीं कर रहा, अगर आपका आप अपने भाई के, आप अपने उसके क्या बोलते हैं भाई यार, आप अपने छोटे भाई के भाई हो, बड़ा वैसे वो भी आपका भाई होगा ना, तो ऐसा नहीं है सर, मेरी बहन है वो एक था ना, लेकिन हाँ समझो जरा, अगर ए बी के एक बोले तो बी ए के एक पल होगा ना, यस सुनो, ठीक है सर। चलिए अब ये ए को नीचे लो जरा, ठीक है ले लेते, ये देखो लो, चलो ले लिया, दैट इज एच बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा और के बाय बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ओके। तो इसको देखो और इसको देखो सर, लेकिन अभी भी इक्वेशन कहाँ बनी? अरे भाई यार तो बन गई ना, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है कि नहीं? हाँ होता है, यहाँ पे रख दो एच बाई ए द होल स्क्वायर प्लस के बाय बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ओके। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक इक्वेशन बन गई, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक और देखो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, आज पहली बार धड़के दिल बार बार, बड़े गाने याद आ रहे हैं सर, गाने तो याद आएंगे भाई, आई एम माई गुड सिंगर ब्रो, आ जाओ। एक्चुअली मुझे गाना गाना सच में बहुत पसंद है यार, लेकिन इतना घटिया गाना गाता हूँ यार, अपने को अपनी औकात मालूम होनी चाहिए, मेरी मालूम है कि मैं बड़ा अच्छा सिंगर नहीं हूँ, है ना, वो ऑटो ट्यून वाला लगा के गा सकते हैं, सोचेंगे अभी चलिए, नहीं मैं तो भी नहीं गाऊंगा यार। फाइन लोकस ऑफ पॉइंट पी, ठीक है पॉइंट पी का लोकस निकालना है, पी इफ पी इज इक्वल्स टू टी प्लस वन बाय टी कॉमा टी माइनस वन बाय टी, ओके, वेयर टी इज पैरामीटर, वेयर टी इज पैरामीटर, मतलब टी आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, आ जाइए। धड़के दिल बार बार, चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है भाई प्लान क्या है? सर देखो यहाँ देख के तो एक बात मालूम पड़ी है, क्या मालूम पड़ी है कि जो जिसका लोकस पूछा है पहले उसको एच कॉमा किया जूम कर लो, हाँ जैसा जिसने सोचा, आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रो। चलिए तो ये लो भाई, दैट इज पी इज इक्वल टू एच कॉमा के, ठीक है, और ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से पी मिल चुका है, ठीक है, दैट इज टी प्लस वन बाय टी कॉमा टी माइनस वन बाय टी, हाँ कि ना? बिल्कुल। यहाँ से आ जाएगा आपका एच इज इक्वल टू टी प्लस वन बाय टी, बिल्कुल ओके, ठीक है, और k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा t माइनस वन बाय टी, ओके ठीक है। पर अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब मुझे t को हटाना है, मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो सर,
ध्यान दो, मुझे एक चीज मालूम है क्या, टी प्लस वन बाय टी द होल स्क्वायर, ये होता है आपका क्या होता है भाई, ये होता है आपका टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी द होल स्क्वायर, ये सॉल्व प्लस टू, ये होता है फॉर्मूला भाई, बचपन से पढ़ रहे हैं है ना, ये बचपन में मालूम कहाँ पढ़ते थे, ये सिक्स सेवन का है, अगर आप फाउंडेशन से हो तो फाउंडेशन के सिक्स में बुक है, वो पिन स्टार करके एक बुक आती है ना, किसी किसी की तो है वो पिन हैश डेड करके ऐसे बुक बनती है वो, यस और नो, तो यार एस की गोल की मैथ्स तो नहीं है ऐसा ऐसे मेरे मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ एस की गोल के फाउंडेशन के मैथ्स नहीं है यार। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी मैं फाउंडेशन स्टार्ट करूँगा, बहुत जल्दी, और फाउंडेशन ऐसा वैसा स्टार्ट नहीं करूँगा यार, फाउंडेशन जब मैं स्टार्ट करूँगा जेई फाउंडेशन बहुत लेवल अप रखूँगा उसका, है ना, बहुत ज़्यादा लेवल अप रखूँगा। मैं आपको एक लड़के से मिलाऊँगा क्लास सिक्स का है, बहुत अच्छा पढ़ने में है, जेई फाउंडेशन की प्रिपेयर कर रहा है ना, उसको मैं ही पढ़ाता हूँ, मतलब मेरा भाई नहीं है, है ना, मेरा भाई तो किसी काम का नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है वो, मतलब आप मतलब मैं किसी की तारीफ जनरली करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो कभी क्लास सिक्स में है, लेकिन वो जो है मतलब जेई का इस बार का जेई 2023 का पेपर आया था जिसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का वो क्वेश्चन मैंने उससे सॉल्व करवाया था, क्लास सेवन पे है वो, क्लास सिक्स और सेवन्थ में जाने वाला है, जस्ट इस साल जाएगा वो, तो ऐसा ही मैं स्टार्ट करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि टेंथ में आते आते बच्चे इतने स्ट्रांग हो जाए कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन कर सके, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हर एक चीज़ का रहना चाहिए, बेसिक नॉलेज ईच एंड एवरी टॉपिक का होना चाहिए क्लास टेंथ आते आते, तो मैं ऐसा क्लास नाइन्थ और टेंथ दो फाउंडेशन स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी, है ना, थोड़ा सा आपका सपोर्ट और माता रानी का आशीर्वाद चाहिए, और तो फिर सब भगवान के ऊपर यार, ऐसा वैसा नहीं, थोड़ा छोटा मोटा मैं स्टार्ट करूँगा ही नहीं यार, जब मैं स्टार्ट करूँगा तो बहुत बेटर तरीके से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ओके, स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं एक काम करता हूँ, देखो जरा, टी स्क्वायर, ओके, वन बाय टी स्क्वायर, ओके, माइनस टू करता हूँ, अब माइनस टू क्या, तो प्लस टू करना पड़ेगा, ये प्लस टू लिखना भूलना नहीं, ठीक है, ये जो होता है ना आपका, ये जो है रुको दिखाते हैं, देखो टी माइनस वन बाय टी द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन करो जरा, ये होता है आपका टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर माइनस टू, ये क्या बन गया आपका टी माइनस वन बाय टी द होल स्क्वायर, ये सॉल्व, मतलब आपको दिख गया कि टी प्लस वन बाय टी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस वन बाय टी द होल स्क्वायर प्लस फोर, तो आप दोनों की वैल्यू रख दो, ये सॉल्व, तो यहाँ क्या रखोगे आप, यहाँ रखोगे आप एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ रखोगे के का स्क्वायर प्लस फोर, तो यहाँ से क्या आ गया आपका एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ये हो गया आपका क्या लोकस, क्या आ गया आपको लोकस, यस और नो, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लिखो एक और बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल बेसिक यार, बेसिक बच्चों छोटे बच्चों को लॉलीपॉप देने वाला क्वेश्चन, लॉलीपॉप लिखो इसको, अरे लिखो यार, चलो आ जाओ, देखो धड़के दिल बार बार दिल में लग जाए आग, यार मैं एक लॉजिक सोचता हूँ कि जैसे कि दिमाग निकाल दो, जैसे आदमी का जैसे बोलते याददाश्त चली जाए, अगर चीज़ें दिल में होती होंगी फिर याददाश्त जाने से आदमी लोगों को ऐसे भूल जाता है, यस और नो, हाँ बट लॉजिकल है, तो ऐसा गाना होना चाहिए धड़के दिमाग बार बार, ऐसा गाना होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर गाने के देखो अगर हम लोग ना ये बॉलीवुड है हॉलीवुड है टॉलीवुड है इन सब के गाने को अगर लॉजिकली ले डर तो फिर गाने के मतलब सत्यानाश हो जाएगा, लॉजिकली अगर गाने को सोचे तो, है ना, ठीक है, इतना लॉजिकली नहीं होना चाहिए यार, सुनो लाइफ है जीनी चाहिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लो, फाइंड लोकस ऑफ पी, फाइंड लोकस ऑफ पी, आपको पी का लोकस निकालना है, ठीक है, ओके, फाइंड लोकस ऑफ पी इफ p इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी, ठीक है, वेयर t इज पैरामीटर, वेयर t इज पैरामीटर, ठीक है, t आप क्या है पैरामीटर, तो आ जाइए सर, देखिए जरा आ जाए, देखो कैसे सॉल्व होगा, दैट इज सॉल्यूशन, तो फिर से भाई इसमें आप जानते हो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आंख बंद करना है, p को h कॉमा k अज्यूम करना है, इट इज p इज इक्वल्स टू एच कॉमा के, ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना, बिल्कुल p इज इक्वल्स टू एच कॉमा के, और आपको लिखना है h इक्वल टू ए टी स्क्वायर और k इज इक्वल्स टू टू ए टी, ठीक है, आपको सॉरी
आपको मेन फोकस है कि आपको टी निकल जाए, यस और नो, यहाँ से टी निकाल के यहाँ पे रख दो, यहाँ से अगर आप टी निकालोगे तो के ए बाय टू ए इज इक्वल टू टी, ये टी ला के यहाँ पे पटक दो, दैट इज एच इज इक्वल टू ए के बाय टू ए द होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एच इज इक्वल टू ए के स्क्वायर डिवाइड बाय फोर ए का स्क्वायर, यहाँ से ए के कैंसिल, यस और नो, यस और नो, यहाँ से क्या आ गया आपका 4 ए एच इज इक्वल टू के का स्क्वायर। लास्ट में क्या करना है, x की जगह मतलब h की जगह x, यस और नो, और k की जगह y, तो आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एक्स। वैसे आपका ये पैराबोला है, कौन सा बोला है, पैराबोला है, पैराबोला है, ठीक, ये आपका पैराबोला है, ओके, ठीक है सर, कोई नहीं, आ जाइए, तो लिखो इसको और आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा एक दो और लेते हैं यार, एक दो और ट्राई करते हैं, ठीक है ना, इरेज करें, आ जाओ, एक और, एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन, आज ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लास्ट 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 क्वेश्चन टुडे, ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाइए, चलिए चलिए चलो चलो, बिल्कुल फोकस रहना, चलो चलो मोटिवेट भाई, जो ही जाना है, आईआईटी जाना है भाई, आईआईटी जाना है, बहुत बहुत जिंदगी अच्छी हो जाएगी, चलो मोटिवेट मोटिवेट, चलो चलो चलो, आईआईटी बॉम्बे भाई, आईआईटी बॉम्बे, चलो आईआईटी बॉम्बे वाले आ जाओ, चलो यहाँ पे ध्यान दो, आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी बॉम्बे अपने को जाना है, चलिए चलो 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 चलो, मेडिकल जाना है भाई, नहीं नीट वाले तो मैच देखते नहीं, चलिए आ जाओ, एनआईटी वड़ांगल चाहिए, चलो यहाँ यहाँ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, देखो क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी वेयर वर्टेक्स ए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी वेयर वर्टेक्स वर्टेक्स ए 1,2 एंड बी -1,-2 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, ये सब एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख देते हैं जनरली, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2, फाइंड लोकस ऑफ पी ओ आई एन टी पॉइंट पी, पॉइंट पी का लोकस निकालना है, ओके ओके, बिल्कुल लास्ट लास्ट, नहीं नहीं ना 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 ना, आलसी नहीं, आलसी नहीं भाई, उबासी नहीं देना, चलो बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना, चलो मोबाइल रखो, चलो सर मोबाइल में देख रहे, ठीक है ना, मोबाइल का वो करके रखो, कोई और मैसेज नहीं आना चाहिए, चलो आ जाइए सोल्यूशन, ठीक है, लोकस किसका पूछा भाई, अरे सॉरी, फाइंड द लोकस ऑफ सी ना, ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड लोकस ऑफ सी, ठीक है ना, ओके, तो क्या करेंगे, सी को एच कॉमा के अज्यूम कर लो, हमेशा की तरह, यस और नो, हमेशा की तरह सी को एच कॉमा के अज्यूम कर लो, ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मॉड ऑफ, सबको मालूम कि अगर पॉइंट दिया हो, वर्टेक्स दिया हो, तो ऐसे निकालते हैं, दैट इज ए कितना है 1,3 और एक 1, बी कितना है -1,-2 और 1, और सी कितना हो जाएगा एच कॉमा के और 1, द कॉमा नहीं रखता वो तो बार बार निकल जाता है, इसका एरिया आपको दे रखा है 2, ठीक है, अब ये 2 को धक्का दे दो यहाँ, इस 2 को धक्का दे दो यहाँ पे, यस और नो, ये हो जाएगा आपका 1, धड़के बार, ये देखो एक बार बात बोलता हूँ क्या मैं आपको, आपको हम मैंने ना इसमें एक चीज़ मिस की है, क्या डिटरमिनेंट नहीं सिखाया है, क्यों, क्योंकि मैं जब मैंने डिटरमिनेंट ऑलरेडी लेक्चर मतलब डिटरमिनेंट मैंने पढ़ा दिया है, तो मैं क्यों डिटरमिनेंट पढ़ाऊँ, यस और नो, है ना, डिटरमिनेंट हम लोग ने साथ साथ में लेके स्टार्ट कर देंगे ना, तो मैं इसलिए मैथ्स के स्टेट लाइन में डिटरमिनेंट बढ़ा पढ़ा के स्टेट लाइन का लेक्चर और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया हूँ, बट अभी से मेरा लेक्चर 19 से 20 जाएगा ही जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं ज़्यादा लूँगा, ठीक है, लोकस का लेक्चर हर कोई एक लेता है, मैं 2 लूँगा, तो टाइम ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए मैंने स्टेट लाइन को नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मतलब सॉरी डिटरमिनेंट को नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 1,3,1 -1,-2 1 एच के और 1, ठीक है, इजिक्वल टू 4, चलिए तो अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आ जाइए, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू मॉड लगा लो 1 इंटू ऐसे इंटू ऐसे, दैट इज 2 इंटू -2 और माइनस के -3, है ना, कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का अपने को डिटरमिनेंट की ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए भी नहीं, अपने को डिटरमिनेंट्स की ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, एक याद रख लो, ऊपर वाली लाइन को पकड़ना है, पहला एलिमेंट लोगे, पहला एलिमेंट लोगे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, पहला एलिमेंट लेके एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और एक वर्टिकल लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचो, जो कॉमन आए उसको यहाँ लिख दो,
और जो चार मेंबर बचेंगे यस और नो, चार मेंबर को टू क्रॉस टू जैसा सॉल्व कर दो, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल खींचो, जो कॉमन मेंबर है उसको यहाँ लिखो, फिर जो चार मेंबर बचे सिमिलरली टू क्रॉस टू जैसा सॉल्व करके क्वेश्चन को निपटा दो, ठीक है। ओके, तो वन माइनस टू माइनस थ्री, फिर क्या करो, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को शिफ्ट नहीं करना, हॉरिजॉन्टल लाइन को शिफ्ट नहीं करना, सिर्फ वर्टिकल लाइन को शिफ्ट करो। हॉरिजॉन्टल लाइन डज नॉट शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन डज नॉट शिफ्ट, ओनली शिफ्ट वर्टिकल लाइन। फिर कॉमन थ्री आया, बीच में माइनस लगा दो एक, ठीक है, क्यों, बीच में माइनस आता है इसलिए। फिर से दो मेंबर बचे, फिर से सॉल्व कर दो, माइनस वन इंटू माइनस एच। फिर लास्ट में मैंने बोला हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल चेंज होगा, तो वर्टिकल चेंज हुआ और क्या आ गया, प्लस वन, दैट इज वन इंटू माइनस के, माइनस के प्लस टू एच इज इक्वल टू चार। आप क्या करो, आप सिंप्लीफाई कर लो, सर दो इक्वेशन आएगी क्योंकि मॉड लगा है, मॉड से दो इक्वेशन प्राप्त होंगी, क्यों वो ही बताते हैं, आ जाइए देखो। तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस टू माइनस के माइनस प्लस थ्री प्लस थ्री एच माइनस के प्लस टू एच यस और नो इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर, ठीक है। ओके, पहले दो इक्वेशन निकाल लेते फिर समझाते, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका थ्री एच टू एच दैट इज फाइव एच माइनस के माइनस के माइनस टू के यस और नो, ओके माइनस टू और कुछ है प्लस थ्री, ओके माइनस टू और प्लस थ्री, ठीक है। तो प्लस वन इजुकल्स टू, एक बार मैंने क्या लिया प्लस फोर लिया, अब एक बार लूंगा क्या फाइव एच, एक बार मैंने प्लस फोर लिया, देखो एक बार मैंने प्लस फोर लिया, अब एक बार क्या लूंगा मैं माइनस फोर, फाइव एच माइनस टू के प्लस वन इजुकल्स टू माइनस फोर, ठीक है। ओके ठीक है सर, चलिए फाइव एच फाइव एच फाइव एच माइनस टू के, उधर चाहे इसको इस साइड ले लो चाहे उसको उधर भेज दो, उधर ही भेज दो यार, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, दैट इज थ्री, हाँ कि ना, ओके ठीक है। इसको देखो 5h माइनस टू के उधर जाएगा, इसको इधर ले लो तो प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। ओके, दो इक्वेशन आपको तैयार दिख गए, आप क्या करोगे लास्ट में, h को x से और k को y से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस द बॉडी, 5x माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, ओके इधर आ जाएगा आपका 5x माइनस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू, सर अब बताओ दो इक्वेशन क्या है, दोनों पैरेलल है कि नहीं है, हाँ देखो दोनों का स्लोप, दोनों का स्लोप सेम आ रहा है, यस और नो, दोनों लाइन पैरेलल, ठीक है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन वही है कि सर दो लाइन कैसे आई, बताते हैं ना। अगर मैं इसको एक मान लूँ कि ये है आपका बी और ये है आपका ए, तो सी इधर भी हो सकता है और सी इधर भी तो हो सकता है ना सर, यस और नो, और सी इस लाइन में कहीं भी लाई कर सकता है और सी इस लाइन में कहीं भी लाई कर सकता है, यस और नो, दो ट्रायंगल पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल तो है सर, ठीक है दो ट्रायंगल आ सकता है, चलिए लिखो इसको, ठीक है हो गया। तो मैंने बोला था कि मैं आज ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो मैं अपने प्रॉमिस के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ, तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर जो हो और इससे ज़्यादा बड़ा हो, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि बहुत सारे अभी एक दो क्वेश्चन बेसिक मैंने छोड़ दिए हैं जो मैं आपको और ज़्यादा परेशान और दिक्कत नहीं देना चाहता, तो ये बेसिक मतलब बेसिक जो लोकस का बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सर, बहुत बेसिक, इससे ये उम्मीद मत करना कि जेई में से क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में से, मतलब इस लेक्चर में से जेई के क्वेश्चन नहीं आने वाले, इतने ईजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर नहीं आते, इजी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे, तो फिर तो बड़ी शर्म की बात है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे करोगे, अगर आप रिपीटर नहीं हो तो फिर तो बात ही खत्म, अगर आप रिपीट मतलब अगर आप रिपीटर नहीं हो तो फिर आपको ही फिर से करने हैं, लेकिन अगर आप रिपीटर हो तो मैं बोलता हूँ कि एक एक बार प्रैक्टिस कर लो, मतलब मेरे साथ ही एक बार प्रैक्टिस कर लिया होगा बट ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है। हाँ, नेक्स्ट जो कल का लेक्चर होगा तो रिपीटर वालों आपके लिए, प्लस जो आप रेगुलर स्टूडेंट हो उन दोनों के लिए रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन आपको फिर से करना है, क्योंकि सारे जेई मेंस के पीवाई क्वेश्चन होंगे और जेई एडवांस में पीवाई क्वेश्चन होंगे, जो सर्कल जो अभी टॉपिक से रिलेटेड। ओके चलिए, मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ओके बाय, थैंक यू।